आज का टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ सेवा इन भक्ति। तो भक्ति में सेवा की क्या जरूरत होती है ना? तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा सेवा और दया, ये दो चीजें अलग अलग हैं। कौन बताएगा सेवा और दया में क्या डिफरेंस होता है? देखते हैं कौन आंसर करता है। हैंड रेस करके में हाँ, तन्मय घोष प्रभु जी बताएंगे। हाँ हरे कृष्ण बहू जी। बहू जी, जी, दया मतलब दया में क्या बताऊँ आपको, माया या फिर मोह हो सकता है, लेकिन सेवा में माया या फिर मोह या फिर क्या बताऊँ, एक प्रकार का निष्काम योग होता है। लेकिन क्या बताऊँ आपको, जो दया होता है वो सकर्म योग होता है, जहां पर आदमी सोचता है कि ओ इससे क्या, उसे क्या फायदा मिलेगा, ठीक है या ठीक फिर है। थैंक यू प्रभु जी। और सुनते हैं हम आंसर, रायो प्रभु जी बताएंगे। हाँ हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी तो प्रभु जी, दया और सेवा में मतलब अंतर ये ऐसे ही है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के सर्विस में नियुक्त है, मतलब भगवान की सेवा कर रहा है, तो उस प्रकार से उसको दया की प्राप्त होगी, क्योंकि जो सेवा वैसे नहीं करता उसको वैसे दया प्राप्त नहीं होगी। मेरे हिसाब से यही बात है। हाँ ये भी अच्छा आंसर है। दोनों आंसर ठीक है। और इजी लैंग्वेज में इसको देख सकते हैं कि सेवा मतलब होता है सर्विस। सर्विस की जाती है मास्टर की, है ना, हमसे ऊपर वाले की, सुपीरियर की। और दया होती है इंफीरियर, जो हमसे नीचे होते हैं। जैसे गरीबों पे आप कभी सेवा नहीं करोगे, आप बोलोगे गरीब सेवा, नहीं, गरीबों पे दया की जाती है और हमारे से ऊपर वालों की सेवा करी जाती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। जैसे डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है तो वो क्या है, पेशेंट तो उसको पैसे दे रहा है। तो अगर ये बोलना कि पेशेंट डॉक्टर से ऊपर हो गया, ऐसा तो नहीं। पेशेंट डॉक्टर को पैसे दे रहा है तब डॉक्टर उसे ठीक करता है, तो उसका प्रोफेशन भी है और वो उस पर दया भी कर रहा है। जैसे एक मास्टर है, सर्वेंट है, घर में हमारे काम करने वाले हैं, या हम मास्टर है मान लो, ठीक है, या हमारे ऑफिस में हम मास्टर है, बॉस है, हमारे नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय है या कोई हमारे सर्वेंट है, तो मास्टर की बात सर्वेंट को माननी ही पड़ती है। तो ये क्या है, ये सेवा है ना? जो सर्वेंट करेगा मास्टर के लिए, ये सेवा है ना? और जो हम ऊपर वाला नीचे के लिए करता है वो दया है। पर जनरली देखा जाए भौतिक संसार में वो दया नहीं होती, क्योंकि वो तो काम करने के पैसे देता है, नहीं तो वो भी क्यों देगा? वो दया थोड़ा ना करेगा कि ये लो फ्री में ले लो, आज आपका बहुत मैं आपसे खुश हूँ, ये लो 1 लाख रुपए का चेक, ऐसा कोई नहीं करता। तो जनरली सेवा और दया, ये प्रभुपाद जी बताते हैं, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। मगर अगर आप सेवा कर रहे हो तो दया भी अपने आप हो जाएगी। सेवा ऊपर वाले की भी करते हैं जनरली, पर जब भक्ति में सेवा करते हैं तो चाहे नीचे वाला हो चाहे ऊपर वाला हो, दया भी होती है और सेवा भी होती है। तो सेवा यहाँ पे केवल सेवा बोला गया, अभी भक्ति में भक्ति ऐड नहीं करी गई, केवल सर्विस बोला गया कि सेवा क्या चीज होती है। सेवा तो कई तरह की है, कई लोग साधु सेवा, कुत्ता बिल्ली सेवा, आजकल तो लोग कुत्तों की भी सेवा कर रहे हैं, वो भी बोलते हैं डॉग सर्विस। तो सेवा तो वो भी एक तरह से, उन्होंने डॉग को ऊपर सुपीरियर मान लिया है। तो हमें भक्ति में सेवा करेंगे तो वो दया भी अपने आप अकाउंट हो जाएगा। मगर नॉर्मली अगर सेवा देखें तो सेवा केवल सुपीरियर वाले की जाती है और दया इंफीरियर यानी नीचे वाले की देखी जाती है। अब तीन तरह के भक्त होते हैं सेवा में, जैसे बोला जाता है। स्पेशली हम भक्ति के रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि हम सब स्कॉन के डिवोटीज हैं। तो तीन तरह के भक्त हैं, है ना? एक होता है कि बोल के करने वाले, बताया जाएगा ये सेवा है, अभी नियर बाय जन्माष्टमी आ रही है तो आप ये सेवा कीजिए, ये नहीं कर सकते तो वॉलेंटियर की तरह सेवा कीजिए, ये नहीं कर सकते मंदिर बनवाइए, मंदिर नहीं बनवा सकते जन्माष्टमी के लिए दान दीजिए, वो नहीं कर सकते, है ना? तो भक्तों को जोड़िए, जन्माष्टमी का टाइम है, आप लोगों को मोटिवेट कीजिए, भक्तों को जोड़िए, दो चार लोगों को लाइए, उनको भक्ति माला सिखाइए, बताइए कि इन्होंने भक्ति करना सीख लिया। तो एक होता है बोल के करने वाले कि बोला जाएगा फिर करेंगे। अब दूसरे जो भक्त होते हैं वो इससे ऊंचे लेवल पे होते हैं। वो कैसे होते हैं, बिना बोले करने वाले, आप बिना बताओगे नहीं तो आपके मन को जान जाएंगे कि ये क्या चाहते हैं और फिर उस हिसाब से सेवा को परफेक्ट रूप में करते हैं। तो ये दोनों ही भक्त जो होते हैं ये ऊंचे कोटि के भक्त हैं। देखा जाए दूसरा वाला ज्यादा ऊंचे कोटि का है, पहले वाले को बोल के करा जा रहा है वो उतना ही करता है, दूसरा वाला जितना बोला है उससे अधिक करके दिखाता है। बोला गया जैसे
आपको इस जन्माष्टमी में प्रयास करना है 5 लोगों को भक्त बनाने का, तो उसने 10 बना लिए। बोला गया आपको प्रयास करना है 5 से 10 हजार डोनेशन लाने का, इतना तो करना ही करना है, वो 20 हजार ले आएगा तो अधिक करके दिखाएगा। तो एक है जितना बोला उतना ही करते हैं, और दूसरा है इससे ऊपर जो ज्यादा करते हैं, और एक तीसरे होते हैं जो बोलते हैं फिर भी कुछ नहीं करते। तो ये हम सबकी कैटेगरी है, इसमें बोला भी जाता है बहुत सारी चीजें पॉइंट्स को, पर फिर भी हम कहते हैं अरे छो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो ये बोल के करने वाले, बोल के भी ना करने वालों हमारी स्थिति है। तो ये 3 तरह के भक्त हो गए सेवा से रिलेटेड। अब बताया जाता है ना कि हम क्या है, हम लोग क्या है, शरीर है या आत्मा है। हम तो आत्मा है, हम खुद ही बोलते हैं मेरा शरीर, मेरा घर है ना, मेरा पेन, मेरा मोबाइल, कुछ भी बोलते हैं, मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। तो मेरा 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 करते हैं। मेरा मतलब है ना, ये माई है, आई नहीं है। ये माई मतलब ये मुझसे संबंधित है मगर मैं नहीं हूँ। ऐसे ही आई क्या होता है, आई मतलब मैं, मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है। बताया जाता है जैसे हमने कई बार पढ़ा है ना चैतन्य चरितामृत का श्लोक, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि हम लोग क्या है आत्मा और जीव का स्वरूप क्या है कृष्णेर नित्य दास। कृष्णेर नित्य यानी परमानेंट तौर पे हम भगवान के दास ही हैं, हम कभी भी उनके मास्टर नहीं बन सकते। अब बोला जाए मास्टर जो होंगे भगवान है जो, ये तो बहुत खराब होंगे है ना, पिटाई करते होंगे, बोले होंगे कैसे हो तुम, काम वाम कुछ नहीं करते हो, क्लास नहीं लेते हो, चलो पिटाई करता हूँ, मंदिर नहीं आते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भगवान ने फ्री विल दे रखी है। भगवान इतने कृपालु हैं कि हैं तो मास्टर मगर फिर भी फ्री विल दे के छोड़ते हैं, 5% हमें आज़ादी दे के छोड़ते हैं कि जो तू करना चाहता है इस शरीर में, जो जैसा भोगना चाहता है वैसा भोग। तो भगवान सब कुछ प्रोवाइड भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, ठीक है, घर में सर्वेंट है काम करने वाले और एक मकान मालिक है यानी मास्टर है ना। उनने बोला कि मुझे पानी का ग्लास ले आओ, है ना। सर्वेंट जाता है, कहता अरे पानी से क्या होगा, अरे आपको आज दूध पिलाता हूँ, पानी वानी, पानी कोई पीता है क्या, आज आपको दूध पिलाया जाता है, तो दूध लेके आ जाएगा। तो क्या इससे मास्टर खुश होगा, नहीं। मान लो उसने बोला मेरे लिए नींबू पानी लेके आओ, है ना, उसकी इच्छा नींबू पानी की है। सर्वेंट लेके आया, बोला कोका कोला पियो, तो बोला जाएगा नहीं नहीं ऐसे कैसे पियो भाई, आपने तो बोला है कि ठंडा पीना है तो मैं ठंडा ही तो लाया हूँ, पीना पड़ेगा आपको। अगर सर्वेंट ऐसे करेगा तो क्या मास्टर खुश होगा, नहीं खुश होगा। ऐसे ही भगवान, हमारी जीव की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन बताई जाती है ना, लिविंग एंटिटी यानी जीवा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन यानी उसकी नित्य जो उसका आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है या परिचय है, वो क्या है, भगवान का दास होना, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो करेगा ही करेगा, उसको यही करना है भगवान की सेवा। पर हम क्यों डाइवर्ट हो जाते हैं, भगवान ने जैसे हमें उपदेश दिए भगवद गीता के थ्रू कि ये आपके लिए उपदेश है, आपको इस तरीके से जिंदगी को जीना है, मगर हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग वो करते हैं जो हमारी इच्छा करती है मगर भगवान जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। जैसे भगवान ने भगवद गीता में बहुत सारी चीजें बोली और भी कई शास्त्रों में बोली, मगर हम क्या करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, और भगवान क्या चाहते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है। और उनके भगवान कहते हैं कि अस्मिन यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अगर मैं तुष्ट हो गया तो जगत तुष्ट हो जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, एक बार पांडव होते हैं वन में होते हैं, पांडव आपने सुना ही होगा शायद, देखा भी होगा टीवी में, पांडव वन में होते हैं, साथ में द्रौपदी भी होती है, तो दुर्वासा मुनि आते हैं अपने 10,000 शिष्य लेके। दुर्वासा मुनि आपको पता है, कई बार पिछली क्लासेस में भी उनका एग्जाम्पल दिया है ना, तो कर्सिंग ऋषि थे जिस पे देखते थे अगर वो प्रसन्न नहीं कर पाया तो उसको श्राप देते थे, तेरे पे ये श्राप, तुम्हारे पे ये श्राप, तो कई तरह के उनको कर्सिंग ऋषि बोला जाता, श्राप देने वाले ऋषि से नाम से फेमस थे। तो वो आए, जब वो आते हैं उनकी कुटिया में पांडवों की है ना, वहाँ द्रौपदी भी होती है, तो कहते हैं मैं अपने सब उनको प्रणाम करते हैं, 10,000 शिष्यों के साथ आते हैं, तो कहते हैं मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं। तो द्रौपदी को बोलते हैं कि हम सब बहुत भोजन करना चाहते हैं है ना, तो हम सबके लिए भोजन बनाओ, तब तक हम सब स्नान करके आते हैं। अब 10,000 लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि फटाफट नहा के आ गए, नहाएंगे धीरे धीरे नदी के पास जाते हैं फिर आएंगे। द्रौपदी देखती है कि घर में कोई अन्न का भंडार नहीं है, हालांकि वो क्या है, शुद्ध भक्त हैं, कहाँ के रहने वाले हैं है ना, आप देख जान सकते हो, हस्तिनापुर के रहने वाले महान राजा के पुत्र थे, पर क्योंकि
वनवास हो गया था तो ज्यादा कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा मैं देख के आती हूँ। तो देखती हैं, है ना, छोटा सा उनके पास चावल का दाना होता है, एक मटके में छोटा सा चावल का दाना होता है, बहुत छोटा सा। तो कहती इससे क्या, क्या कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है। तो ऑलमोस्ट खाली है, अगर हमारे बर्तन में एक दाना हो तो हम खाली तो मानेंगे। तो भगवान आते हैं उसी समय, द्वारकाधीश आते हैं, और वो कहते हैं कि तुम क्यों चिंतित हो। द्रौपदी कहती है पांडवों की, कहते हैं के सामने चिंतित हो, तो द्रौपदी कहती है हमारे घर में कोई अनाज नहीं है, दुर्वासा मुनि आ गए तो हमें श्राप दे देंगे, है ना, वो सब बैठ रहे हैं इंतजार कर रहे होंगे अपना स्नान करके भोजन का। तो फिर भगवान कहते हैं अच्छा पक्का मैं चेक कर सकता हूँ कि पक्का कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ होगा। तो चेक करते हैं भगवान, भगवान चेक करते हैं, उसमें से एक चावल का ऐसे करके दाना निकालते हैं और ऐसे करके डाल लेते हैं, है ना। और जैसे ही उस चावल के दाने को मुंह में डालते हैं तो जितने भी वहां पे दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्य होते हैं उनके, सब एकदम डकार अ, अ करके डकार लेने लग जाते हैं। तो जब डकार लेते हैं तो पता चलता है कि सबका पेट भरा हुआ है। तो ये सच है, ऐसे ही भगवान कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, पांडव बोलते हैं, द्रौपदी पूछती है ऐसा कैसे हो गया कि सबका पेट भर गया, अभी तो सब भूखे थे, 10,000 लोग साथ में दुर्वासा मुनि के साथ, वो भी सबका एकदम से पेट भर गया। भगवान कहते हैं है ना कि जो मुझे तुष्ट कर देता है उसको किसी और को तुष्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें किसी भी और व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की, वर्ल्ड में चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमारे पितृ हो, कोई भी हो, हमें किसी की भी सेवा, हम सबसे ऋण मुक्त हो जाते हैं केवल भगवान की सेवा करने। तो कई लोग बोलते हैं श्राद्ध क्यों करते हैं, श्राद्ध कंपैशन की, दया की भावना से की जाता है। जीव जो यानी जो भक्त होते हैं वो दया करते हैं जीवों पे कि अरे मेरे पूर्वज थे, है ना, मैं इनकी आरती तो नहीं उतार रहा, इनको धूप बत्ती अगरबत्ती रोज खिलाना, है ना, पितरों के आगे गाना वो करना, फिर आप देखते हैं पितर आ जाते हैं किसी के शरीर पे, बोले पितर आ गए हमारे, ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो हम लोग वो सब नहीं, उस पे नहीं जाते हैं, हम लोग पितृ पूजन ना करके हम श्राद्ध इसलिए करते हैं, श्राद्ध का पर्पज है, 3 पीढ़ी तक श्राद्ध किया जाता है, करंट जनरेशन, फिर पापा मम्मी, फिर दादा दादी, 3 जनरेशन तक श्राद्ध किया जाता है। तो जो श्राद्ध करते हैं ना इसलिए करते हैं कि चाहे किसी भी योनि में चला गया हो इसका उद्धार हो जाए। मान लो वो शेर की योनि में चला गया, अगले जीवन में शेर बन गए, बहुत मांस खाते थे, आपने समझाया, अब वो पास अवे हो गए, मांस खाते थे नहीं समझे उस समय, हमें भी नहीं पता था। तो अगर मान लो उन्हें कोई ऐसी योनि मिल गई हो तो उनका उद्धार हो जाएगा, उनका जल्दी उद्धार होगा। और अगर वो भूखे होंगे तो श्राद्ध के समय में भगवान, जैसे ईमेल होता है ना, आज से कई साल पहले ईमेल आया, जीमेल, फिर उसके बाद और वेबसाइट्स बनी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप बना, फटाफट मैसेज पहुंच जाता है। वैसे ही श्राद्ध ऐसा टाइम होता है, ये लंच टाइम है, श्राद्ध जो है ये पितरों का लंच टाइम है, इस समय उनको दिया जाता है जो खाना। तो चाहे वो जिस, चाहे वो पितृलोक में हो, ऊपर वेटिंग स्टेशन पे हो, है ना, वेट कर रहे हैं पितृ बन के, चाहे वो अलग अलग योनियों में चले गए हो, उनको इस समय भोजन मिलता है तो ताकि वो खा सके। मान लो शेर हो तो मांस के रूप में मिल जाएगा, बकरा हो तो घास के रूप में मिल जाएगा, मनुष्य हो तो खाना लगेगा, बड़ा स्वादिष्ट है, जैसे हम श्राद्ध में खाते हैं खाना कई बार, हालांकि कई बार हम भोग भी नहीं लगा होता पर नॉर्मली खाते हैं, है ना, छोले पूरी खीर बोलो, बड़ा स्वादिष्ट बना, तो है ना, इसका मतलब हमारा भी कोई श्राद्ध कर रहा होगा जो इस शरीर में आज हमें मिल रहा है, और हम किसी और के लिए कर रहे हैं तो उनको भी उस शरीर में मिल रहा है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से चलती है, भगवान ने सारी साइकिल को डिवाइड कर रखा है। तो मेनली हम ये बताना चाहते हैं, इसमें ये समझते हैं कि जो भगवान की सेवा करता है उसको किसी और की सेवा की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान कहते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, मैं तुष्ट हो गया तो सारा संसार तुष्ट हो जाएगा, और अगर मैं ही तुष्ट नहीं हुआ तो संसार की कितना भी सेवा कर लो, संसार को आप तुष्ट नहीं कर सकते, है ना, ये भगवान ने बोला है। अब इस बात को अगर हम ना माने तो हम क्या कहलाएंगे, मूर्ख। ऐसे ही भगवान ने गीता में उपदेश दिए कि भगवान क्या क्या चाहते हैं, है ना। भगवान कहते हैं भगवद गीता के, है ना, 18.66 18वें अध्याय 66 नंबर श्लोक में, सर्व धर्मान परित्याजम माम एकम शरणम रजा, है ना, सारे प्रकार के धर्म जो हमने बना रखे हैं, है ना, मेंटल कॉन्क्रप्शन, मेंटल स्पेकुलेशन से धर्म बना रखे हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, मेरे ये बाबा जी, मेरे ये गुरु जी, मेरा ये वो देवी देवता, हर प्रकार के धर्मों का त्याग करो। भगवान कहते हैं केवल मेरी शरण में आ जाओ। हम कहाँ मानते हैं बात को, फिर हम कहते हैं हम तो भगवान की बहुत मानते हैं, हम नहीं मानते हैं एक्चुअल में,
जैसे बॉस ने अपने ऑफिस में एक एम्प्लॉय को काम दिया, बोला ये आज आपका काम है ना, आपकी आज की 100 कॉल हैं, आपको ये शीट है, ये सब है, ये सारा काम करके देना है, लोगों से बात करनी है, डील फाइनल करनी है, जो भी काम है ये सारा मुझे रिपोर्ट चाहिए। अब एम्प्लॉय जो है बॉस की ना सुन के अपने मन की करने लग जाए, ठीक है वो पूरा ना कर पाए, समझ आता है, 100 कॉल दी थी, शीट दी थी है ना, और उसके बाद क्लाइंट लाने को बोला था, मीटिंग फिक्स करने को बोला था, सब नहीं कर पाया मान लो, मगर थोड़ा भी करा उसने, जितना भी वो कर पाया, अपना बेस्ट उसने ट्राई करा, सब नहीं कर पाया, तो क्या बॉस उसे मारेगा? नहीं, बोलेगा कि नेक्स्ट टाइम से और अच्छा प्रयास कर। मगर अगर एम्प्लॉय अपने मन की करने लग जाएगा, बोलेगा मैं नहीं करता, आप कौन होते हो, तो क्या कुछ कुछ सुनेगा? कोई भी नहीं मानेगा, कहेगा क्या आदमी है ना, एक तो मैं इसको नौकरी दे रहा हूँ, मैं इसको समझा रहा हूँ, ऑफिस में आ रहा है और मेरी मान नहीं रहा है, मानेगा? ऐसी बिजनेसमैन ले लो, किसी की शॉप होती है, वहां पे काम करने वाले होते हैं, काम करने वाले आते हैं है ना, सर्वेंट होते हैं, जो आप उनको बोलो काम, एग्जाम्पल के लिए हम केमिस्ट शॉप का एग्जाम्पल लेते हैं, हमने बोला जैसे एग्जाम्पल के लिए जो शॉप ओनर है, केमिस्ट है, उन्होंने बोला है ना, ऐसे करके बोलते हैं, छोटू ये निकाल दे, ये निकाल दे पाउडर का डब्बा, ये निकाल दे ये वाली दवाई है ना, ये निकाल दे पैरासिटामोल, और वो पैरासिटामोल किसी को है बुखार की और दे पेट दर्द की दवाई रहा है, अपने मर्जी का काम रहा है, तो क्या वो खुश होगा? नहीं। और किसको ब्लेम किया जाएगा? शॉप ओनर को। ऐसे ही अगर कंपनी डूबती है तो किसको ब्लेम किया जाएगा? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को फर्क पड़ेगा मेरी कंपनी डूब रही है क्या? अगर डूब जाए मुझे, मेरे को सैलरी आती रहे, हमारी मेंटेलिटी तो यही होती है ना जनरली, कंपनी डूब जाए मेरा क्या। तो ऐसे ही जो बॉस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे ही जो भगवान के लोग, भगवान को हम फॉलो नहीं करते हैं, भगवान की बातों को, तो हम किस पे ब्लेम डालते हैं? सारा भगवान पे डालते हैं, ये करते हैं ऐसा, वो करते हैं, कुछ भी बना रखा है, कुछ भी शास्त्र बना रखे हैं, और भगवान आगे भी कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्याजो माम एकम शरणम रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। किसी में इतनी शक्ति है आप किसी को बोल सकते हो मैं तुम्हारे, या किसी ने आज तक आपने सुना हो कोई गुरु जी हो कि मैं तुम्हारे सारे पाप को हर लूंगा, तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा? कोई नहीं बोलता इस संसार में, ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो इस बात की गारंटी दे सके कि मैं आपके सारे पापों को हर लूंगा, कोई भी नहीं बोलेगा। आप ट्राई करके देख लो, हमने कहीं और कहीं इधर उधर पहले मंदिर में गए हो या कहीं गए हो या कहीं देवी देवता दुर्गा चालीसा शिव चालीसा बहुत तरह की चीजें पढ़ी हैं जिसमें लिखा हो कि मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई गारंटी नहीं लेगा आपकी, कहेगा हम क्यों हरे, हम हर ही नहीं सकते, हरण करने वाले हरि हैं, मैं क्या हरण करूंगा, तभी तो हरि कहलाते हैं भगवान हरि, मैं क्या हरण कर सकता हूँ किसी के, आपके पापों को हरण कर लेंगे, मगर भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, एकलौते भगवान श्री कृष्ण या उनके अवतार जैसे राम जगन या उनका रूप जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु या बाकी के अवतार हो गए, इस तरह से हमें उनकी शरण में जाना पड़ेगा। तो जो भगवान चाहते हैं अगर हम वो करेंगे तो हम खुश होंगे, यदि हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं भगवान नहीं चाहते तो फिर हम और दुखी होंगे, तो अगर हम सुख चाहते हैं तो भगवान की शरण में जाएं, यदि दुख चाहते हैं तो अपने मन मर्जी की करें, दोनों में डिफरेंस है। तो या तो हमें कृष्ण की सेवा मिलेगी या माया की सेवा, करना तो हमारा सेवा है, जीव का स्वरूप ही यही है, आत्मा का स्वरूप ही यही है कि वो किसी ना किसी की सेवा करेगा, या इधर कृष्णा या माया है ना, कृष्ण की कर लो या माया का रास्ता पकड़ लो। जनरली कृष्ण का रास्ता लोगों को लगता है अरे कौन पकड़े, कठिन है, कुछ तो मिल नहीं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं है ना, बोलते भी हैं तुम स्वामी हम सेवक कृपा करो भरता, तो तुम स्वामी हम सेवक, अब जब वो स्वामी है हम सेवक हैं तो फिर हमें इस बात को मानना तो पड़ेगा कि हम सेवक हैं, तो अपनी आइडेंटिटी को अगर हम भूल जाएंगे, हम बोल रहे हैं तुम स्वामी हम सेवक कृपा करो भरता, तभी तो कृपा करेंगे हम, वहां कृपा की याचना कर रहे हैं मगर किस भाव में, कि मैं सेवक हूँ आप स्वामी हो, मगर अगर हम उल्टा चलेंगे मैं स्वामी तुम सेवक कृपा करो भरता, तो भगवान कृपा ही नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, अपनी इच्छाओं की लिस्ट बना रखी है, मुझे ये कर दे मुझे ये कर दे मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, फिर भगवान के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं मुझे जो चाहिए वो तू मान नहीं रहा, अपनी लिस्ट बनाए बैठा है, तू ही स्वामी बन जा। तो ऐसे ही होता है जनरली हमारे साथ, इसलिए सेवा का कंसेप्ट को समझना चाहिए, भगवान क्या चाहते हैं, तो जो भगवान चाहते हैं वो भगवान की सेवा फिर कर पाता है। अब इसमें एक और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, सेवा से रिलेटेड, जैसे किसी का प्रोफेशन है, ठीक है, वो किसका ले, चलो डॉक्टर का लेते हैं,
या लॉयर का लेते हैं, जनरली लोग इनको ज्यादा बीच में लाते हैं, कहते हैं अरे ये तो दूसरों के दुख दर्द का खाते हैं, डॉक्टर को मजा आता है पेशेंट बढ़ जाए और लॉयर को मजा आता है ना रेप केस, डाइवोर्स केस, केस पे केस बढ़ते जाए। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोफेशन के हिसाब से ही उसका ऑटोमेटिकली नेचर भी बन जाता है, नेचर उसका बन जाता है ना। डॉक्टर अगर पेशेंट्स को देख रहा है, दिन रात देख रहा है, मैं एक डिवोटी डॉक्टर नहीं, मैं एक आम डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, जनरल क्या उनका नेचर होता है, क्योंकि आप अगर इतने मर्डर्स देखोगे, इतने सारे एक्सीडेंट के, हाथ कटाया, पैर कटाया, खून खराब है, आपका नेचर वैसे ही बन जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि एक डॉक्टर जो है उसका नेचर ऐसा नहीं होता। आप किसी भी डॉक्टर को देखो, आप अपनी चोट लेके जाओ, बोलो खून बह रहा है, खून बह रहा है, डॉक्टर कहेगा हाय 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 ये क्या हो गया, रोने लग जाएगा या डर जाएगा। नहीं, उसका नेचर है, वो उसको ठीक करेगा, करेगा नहीं करेगा। लॉयर है उसके, हम लोग दुखी होते हैं अरे रेप केस बढ़ गए, वो बढ़ गए, मगर लॉयर्स होते हैं, फिर हम डिवोटी लॉयर्स की ना बात करके नॉर्मल सेंस में बात करेंगे, नॉर्मल पॉपुलेशन की, खुश होते हैं, सब नहीं होते पर जनरली खुश होते हैं कि केसेस आ रहे हैं। मान लो कोई केस नहीं है ना, एकदम राम राज्य है, एक भी केस नहीं आ रहा, कोई बीमार नहीं हो रहा, तो डॉक्टर लॉयर्स का क्या होगा, बंद हो जाएगा, इंजीनियर का काम बंद हो जाएगा, राम राज्य चल रहा है, सब तरह की चीजें बंद हो जाएंगी। मगर ये सब चीजें होती हैं तो लोग खुश होते हैं, अरे वाह बीमार हो गया, एक केस आ गया। तो उसका नेचर कैसा होता है लॉयर का, वो ये कैसे का है ना, वो अपनी ऐसे कोई स्टोरी सुनाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी के घर में चोरी हो गई, ठीक है, उसने केस किया या प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, लॉयर पूछेगा अच्छा ऐसे 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 ऐसे, फिर वो भी इसके साथ दुख मनाएगा, ओहो बड़ी दुख की बात है, फिर उसके भी आंसू निकलने लग जाएंगे, आपका पैसा खा गया, आप तो मेरे जैसे ही है। नहीं, तो उसका नेचर क्या होता है कि उसको अपने लॉयर की जॉब करनी है और इसका केस को सॉल्व करना है, यही होता है। डॉक्टर का नेचर उसके हिसाब से होता है, टीचर का नेचर उसके हिसाब से होता है पढ़ाने का, ऐसे ही जो बेगर होता है उसका नेचर कैसा होता है, भिक्षा मांगने का, भीख मांगने का। जॉब करने वाले का नेचर कैसे होता है, वो तो बहुत ही अजीब होता है, टेंस्ड 24 आवर्स टेंस्ड, और ये फैमिली क्या बोलेगी, बीवी क्या बोलेगी, उसका तो सबसे ज्यादा टेंस्ड होता है। तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे हम काम करते हैं वैसे हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। तो वैसे ही अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम भगवान अपने आप को क्या बोलेंगे, दास, पर अगर सेवा नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे, बिंदास। तो अगर सेवा करना है दास तभी हम दास कहलाएंगे ना, नाम बदलने से थोड़ा ना होगा। नाम आपका मान लो हमारे साथ भक्त हैं जुड़े हुए, बोलते हैं वृंदावन से हमारी दीक्षा हो रही है, अभी 2 दिन पहले मैसेज आया है ना, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मेनली मन में सोचा चलो अच्छी बात है, पर क्या ये सही है, आप कहीं पर भी जाके दीक्षा ले लोगे, आपका नाम बन जाएगा मान लो है ना कृष्ण दास, कृष्ण दासी, रामदासी, रामदास जो भी बन जाए, पर क्या आप दास भावना आप में आई है, आपने आपको मान रहे हो कि हाँ यार बात तो सही है, मेरे को इतना सब सिखाया है, मैं सच में दास हूँ, भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं, अन्य शास्त्रों में क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या फॉलो करना है, क्या मैं सीख रहा हूँ, वो नहीं करते। तो दास बोलना और फॉलो करना बहुत मुश्किल है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर नेक्स्ट ऐसे माला घुमाते हैं, तो उसका मतलब यही है ना। कई लोग पूछते हैं इसका क्या मतलब है, हे राधा रानी, हे कृष्ण है ना, मैं आपका दास हूं, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, आप यही बोल रहे हो बार बार, सेवा मिलती है मैं क्यों करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है ठीक है, तो बाकी दुनिया के पास शायद ज्यादा टाइम होगा। देखो सबको भगवान ने उतना ही टाइम फ्रेम दिया है, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हम लोग कभी भी किसी सन्यासी से या फिर हम प्रभुपाद जी से कंपेयर करें, पर अपना टाइम टेबल देखें, क्या हम सच में भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, हम अभी देखेंगे अगर हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, बहुत लिटल लिटल माइन्यूट थिंग्स करते हैं, वो भी कर दें तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वो भी नहीं करते, बहुत भाग करते भी हैं बहुत नहीं भी करते। तो अगर हम चैंट कर रहे हैं, चैंट करके हमें सेवा मिलती है, तो इसका पर्पज यही होता है कि हम सेवा मांग रहे हैं, हमें सेवा भगवान ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे, टिंग परित्राणाय साधु नाम विनाशाया, ओ बोलो वत्स क्या सेवा चाहिए तुम्हें, ये लो मेरे चरण दबाओ, ऐसे थोड़ा ना आएंगे भगवान, भगवान आपके सामने भक्तों के थ्रू इंस्ट्रक्शंस ला के देंगे, ये करो वो करो। तो जितनी हम सेवा कर सकते हैं उतना ट्राई करो, और कैसी सेवा, ऐसे कभी नहीं आएंगे भगवान चक्कर घुमाते हुए, या ऐसे आप देखोगे इसमें आएंगे गरुड़ पे बैठ के आपके लिए आएंगे, गरुड़ पे आप देख रहे हो भगवान आ रहे हैं ऐसे करके, आप ऐसे करके यू गजेंद्र की तरह ऐसे करके कमल फेंक रहे हो, ऐसे कभी नहीं होगा।
ये केवल मूर्खता है, मैं आपको बताऊं कि आपको लगेगा भगवान आपके लिए प्रकट हो जाएंगे। एक बारी शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद से कि भगवान जो है हमें दिखते नहीं, आपको दिखते हैं? कह रहे हाँ मैं तो हर जगह भगवान का अनुभव करता हूँ। कह रहे कहाँ कहाँ है मुझे भी बताओ। तो है ना प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी लाते हैं, पानी पीते प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कहते हैं जल का स्वाद, भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूं। तो इसका मतलब जो हमारे आज जैसे हमें प्यास लगती है, क्या वो नींबू पानी बुझा पाता है? क्या वो कोल्ड ड्रिंक बुझा पाती है? नहीं, भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूँ। जल का स्वाद है ना, तभी तो हमें पानी पी के प्यास बुझती है। तो ये सारी चीजें, भगवान तो हर जगह है। आप एक्चुअली देखो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए प्रहलाद के कहने पे तो यहाँ खंबे से भी प्रकट हो गए थे, भगवान खंबा फाड़ के आ गए थे। मगर हमारे लिए है क्या? हम समझते ही नहीं है कि हमारी श्रद्धा फेथ कम है, फेथ का प्रोसेस कम है। इसलिए बाहर से आके भक्त हमें समझाता है कि ये भगवान की सेवा है, आप ये कर दो, और भगवान उसके थ्रू बुलवाते हैं। अब आप बोलो कि सेवा किसी के भी थ्रू मिल जाए क्या सही है? ये ठीक नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है ना, इस्कॉन में आप जुड़े हैं। अब इस्कॉन में आप कनेक्टेड हैं, मान लीजिए इस्कॉन द्वारका से। यहाँ पे बहुत भक्त हैं। पहले तो टेम्पल्स बहुत सारे हैं इस्कॉन के, फिर आप एक टेम्पल से कनेक्टेड हैं, हो सकता है दो से तीन से कनेक्टेड हो, जनरली मान लीजिए एक या दो से। फिर वहां बहुत सारे भक्त हैं, फिर उनके अंडर भी सेवाएं होती हैं, होती है सबके पास ही होती है, वो आपको देंगे। तो क्या आप सबके अंडर सेवा कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है, ये हर कोई जानता है। कितना कर लोगे, लिमिटेशन आ जाएगी आपकी। उनको पता नहीं कि क्या कितने आपके पास सेवाएं, पर आपको पता है आपके पास कितनी सेवाएं। तो जितना आपका टाइम शेड्यूल है, आप देखो मेरे पास इतना टाइम है, मैं इतनी सेवा या सेवा जो बाकी के अंग हैं सेवा के, या किसी की सपोर्ट है, हेल्प करना, इतना मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस हिसाब से हमें सेवाएं लेनी चाहिए। और हमें यह देखना चाहिए सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे किसकी अंडर सेवा करें, जिससे हम सीखते हैं। सबसे पहले हमारा कोशिश ये होनी चाहिए जिससे सीखा उसके अंडर पहले सेवा करें। जनरली क्या होता है, हम सेवा अपना नाम भी देते हैं, सेवा कर भी रहे होते हैं, चाहे वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो, जन्माष्टमी हो, वॉलेंटियर हो, अन्य फेस्टिवल, अन्य अन्य त्योहार हो, फेस्टिवल प्रोग्राम्स हो, संडे हो, बहुत तरह की सेवाएं करते हैं हम। सेवा किसी और के अंडर करते हैं, है ना, शिक्षा किसी और के अंडर लेते हैं। तो ये दो चीजें ना मैच नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक टीचर है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को बच्चों ने है ना पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया स्टूडेंट्स को। अब उसमें से जो स्टूडेंट है, उनमें से टीचर ने खड़ा किया, खड़े हो जाओ। अच्छा तुम मॉनिटर बनोगे, क्लास के मॉनिटर बनोगे जब मैं प्रेजेंट नहीं होंगी, या मैं नहीं आ पाई, या मैं कहीं बाहर हुई, मॉनिटर बनोगे? बच्चा कहेगा यस मैम मैं मॉनिटर बनूंगा, खड़ा होके हाथ उठा के बोलेगा मैं यस मैम मैं मॉनिटर बनूंगा। दूसरे बच्चे को पूछेगी अच्छा सुनो तुम्हारा काम है चॉक का डब्बा लाना, है ना, ले आओगे? रोज मेरे आने से पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है मार्कर से या चॉक से, पहले से रेडी होना चाहिए, नहीं तो मार्कर चॉक नहीं होता, फिर इधर उधर से लाओ, तो ले आओगे? वो कहेगा यस मैम। या मेरी अलमीरा है इसमें से निकाल लेना, वो कहेगा यस मैम। तीसरे बच्चे को बोलेगी मैम, या टीचर बोलेगी, वो कहेगी कि आपको क्या करना है, रोज सुबह आके अटेंडेंस मार्क करनी है। मैं हो सकता है कभी कभी लेट हो जाऊं अटेंडेंस लेने में या आने में, तो आपको रोज अटेंडेंस मार्क करनी है। वो कहेगा यस मैम मैं करूंगा, तो उसको ट्रस्ट करके सेवा दी जाती है। ऐसी चौथा है ना, नीचे प्रेयर होने गई है, कई बार ऊपर होती है क्लासरूम में, बारिश हो रही होती है तेज, कई बारी नीचे होती है ना। विश्वजीत प्रभु जी कह रहे हैं मैं भी मॉनिटर था, डस्टर और अटेंडेंस रजिस्टर रखने को मिलता था। मान लो नीचे बारिश हो रही है ना, या मान लो नीचे प्रेयर हो रही है, तो बच्चों को लाइन बना के लाने के लिए भी ड्यूटी देते हैं ना, आप अच्छे हो, आप अच्छा मैनेज कर लो, क्या हो, आप लाइन बना के देखो कोई स्टूडेंट लाइन ना तोड़े, लाइन तोड़ेगा मुझे बताना, या कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, हल्ला मचाएगा। फिर वो आते हैं क्लास में, है ना, बैठ जाते हैं, इस तरह से उनको लेके आया जाता है। तो अगर यही सेवाएं, एग्जाम्पल के लिए ये जो टीचर ने उनको ड्यूटी दी, अब ये किसी और के लिए कर रहे हैं, चौक बोला, चौक दूसरे सेक्शन में दे आया, ओ हो आपके सेक्शन में बोला था, मैं तो भूल ही गया, मॉनिटर बनना था, है ना, मॉनिटर को बोला गया मॉनिटर बनो, ध्यान देना कोई हल्ला शाउट ना करे, वो दूसरे सेक्शन में चला गया, उधर जाके बात कर रहा है, और बताओ क्या हाल है तुम्हारे, और भाई अरे बेकार, क्या मॉनिटर बना रखा है, बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है एकदम, है ना। और उनके या तो उनकी क्लास में जाके मॉनिटर कह रहे, उधर जाके बन गया अटेंडेंस लेने वाला, इधर की अटेंडेंस छोड़ के अपना प्रेजेंट लगा के बैठ गया, या दूसरे सेक्शन का ले रहा है,
या नीचे जो प्रेयर में गया है बच्चा है ना, वो लाइन बना के आने की जगह खुद लाइन से ऊपर निकल गया है ना, तो क्या होगा? उसे डिस्टरबेंस ही क्रिएट होगा, या वो कहीं और जाके लाइन बना रहा है, बनानी उसको इधर वाली थी, वो बना इधर की रहा है, दूसरे सेक्शन की, हाँ हाँ चलो 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 क्लास में चलो, तो क्या होगा? ये ठीक है? आपको क्या लगता है बताओ, कौन बताएगा, क्या ये सब चीजें ठीक है? हाँ जी सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है प्रभु जी, क्योंकि जिन्होंने हमें शिक्षा दी और जिन्होंने हमें अच्छे रास्ते की तरफ हमें बढ़ाया है, जब हमारे अंदर ज्ञान नहीं था तो उनके साथ हमें जो प्रभु जी उनके साथ ही हमें रहना चाहिए। थैंक यू माता जी। बाकी भक्तों ने भी अच्छा लिखा। निखिल यादव प्रभु जी कह रहे हैं नहीं, अनु माता जी नो, राधिका माता जी नहीं, प्रीति माता जी नो, इट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आगे फिर है जतिंदर प्रभु जी नो, सभी नो नो लिखते हैं बाकी भी, तो ये ठीक नहीं है ना। आप देखो सेवा किसी और के अंडर दे रहे हो, सीख कहीं और रहे हो, है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, है ना, एग्जाम्पल के लिए और देते हैं, इसी में ही दे रहे हैं, स्कूल का ज्यादातर अच्छा लग रहा है, स्कूल का एग्जाम्पल, और कॉमन भी है, सब गए होंगे स्कूल, कभी तो गए होंगे बचपन में, कभी देखा तो होगा, बच्चों को तो देखा होगा, एग्जाम्पल कहीं तो सुना तो होगा, है ना। तो पीटीएम गए, पेरेंट टीचर मीटिंग, आप गए, आपने टीचर से बात करी, टीचर कहती हैं आपका बच्चा वाह शाबाश बेटे, बहुत अच्छे हो तुम, बहुत ही अच्छा है, पेरेंट्स खुश होते हैं, अरे वाह मेरा बेटा अच्छा है, तो टीचर तारीफ करती है अगर सच में अच्छा होगा। मगर अगर वो बोलेंगी है ना, इसको मैंने ड्यूटी दी थी मॉनिटर बनाने की, दूसरी क्लास में घूम रहा था, तो क्या सुनने को मिलेगा? यही तो बोलेंगे कि मानता नहीं है, वैसे अच्छा है पढ़ाई में पर मानता नहीं है मेरी बात को, ऐसे ही बाकियों के लिए भी बोलेगी टीचर। तो कई जब हम देखते हैं मटेरियल लाइफ में ही होता है, भौतिक संसार में, तो क्या आध्यात्मिक संसार में नहीं होगा? लोग कहते हैं मंदिर तो एक ही है ना, कहीं भी डोनेशन कर दो, बिल्कुल सही है, बाहर तो अल्टीमेटली भगवान की सेवा, प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाना, मगर सिस्टम से भी चलना चाहिए ना। अगर आपको कोई व्यक्ति बोल रहा है, अब जब स्कूल में स्टाफ मीटिंग होती है, क्यों होती है? कोई जरूरत है? क्योंकि बच्चे स्कूल आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, मार्क्स भी आ रहे हैं, तो स्टाफ रूम स्टाफ मीटिंग की क्या जरूरत है? वो कट तोड़वा दो। ऑफिसों में अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, टैक्स, पता नहीं कस्टमर सर्विस, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनकी मीटिंग होती है ना, टीम लीडर्स की, तो क्यों होती है? वो इसलिए होती है, अरे आपके डिपार्टमेंट ने क्या करके दिखाया, आपके ने क्या करके दिखाया बताओ, फिर एक मेन हेड होते हैं उनको बताया जाता है, दो तीन हेड्स होते हैं, इस तरह से बताया जाता है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, हम अगर कहीं और जाके सेवा करते हैं तो आप उन्हीं के अंडर काउंट होगे, फिर आप यहाँ काउंट नहीं होंगे। इसलिए हमें वन एक ही जगह रह के सेवा करनी चाहिए, ज्यादा अच्छा है। एक जगह दो जगह अगर आप आउटसाइड दिल्ली रहते हो तो ऑब्वियसली अपने लोकल टेम्पल से भी कनेक्ट होगे, या अपने यहाँ से जहाँ आप सिटी में शहर में रहते हैं, और अगर मतलब ऑफलाइन कनेक्ट हो तो एटलीस्ट वन एक या दो जगह से कनेक्ट होगे वहां भी, मगर मैनेज इस तरह से करोगे कि डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आपने जैसे एग्जांपल के लिए द्वारका भी है और एक और मंदिर भी है, आपने दोनों जगह की सेवा ली है और दोनों जगह की आप कर रहे हो, दोनों को आपको अच्छा लगता है, इधर भी बनती है इधर भी बनती है, तो अपना मैनेज करो, इधर से उतना ही लूं कि मुझे गड़बड़ ना हो और इधर से भी उतना ही लूं कि ना हो ये वाला छूट जाए। इसलिए दोनों की सेवा बराबर बराबर उस हिसाब से मैनेज करो जिस हिसाब से आपको टाइम एडजस्ट हो पाता है, या कभी इधर की कभी इधर की कभी इधर की कभी इधर की, पर इन्फॉर्म तो करो, अगर बताया ही नहीं जाएगा तो पता कैसे चलेगा चल क्या रहा है। तो जनरली यही सब चीजें कंसेप्ट चलती हैं। स्कूल का एग्जांपल इसलिए देते हैं बार बार क्योंकि इजी है, लोग समझ जाते हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी होता है, कोई टैक्स नहीं लगा रहा है, कोई मार नहीं रहा है, टीचरों को स्कूल से नहीं निकाला जाता है कि उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे उनकी क्लास के, केवल बोला जाता है। तो ऐसे ही अगर आप करोगे सिस्टम से चलोगे तो आगे बढ़ोगे, अच्छा भी रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और जो है उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने इसके अंडर ये सर्विस करी। तो अल्टीमेटली मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट उसी व्यक्ति का है जो उस सेवा को उस रूप में करता है। मगर अगर इधर उधर जाके करेंगे तो पहली चीज कनेक्शन कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी दो लोगों के बीच में। वो कहेगा जब मेरी आप सुनते ही नहीं हो तो फिर मेरे पास आ भी क्यों रहे हो, सिंपल। तो ये सारी चीजें हैं। और हम सेवा में देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं ना मेरे को ये सेवा दे दी, मेरे को बड़ी सेवा, मेरे को छोटी सेवा। तो हम एग्जांपल लेते हैं राम सेतु का। राम सेतु तो सभी जानते हैं, आज भी आप देखोगे सैटेलाइट व्यू से, ऐसे ऊपर से सैटेलाइट व्यू से
वो दिखता है, वो पत्थर बीच में बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। हालांकि पास में जाओगे रामेश्वरम में धनुषकोडी है ना, जहां से भगवान राम थे, तीर फेंक मार के पुल तोड़ दिया था। लोग सोचते हैं आज भी है वो रास्ता, आज भी है जो लंका को जाता है। पहले मुझे भी लगता था जब तक मैं नहीं गया था, क्योंकि इंटरनेट में इतनी सारी डिस्टर्बेंसेस थी, कभी लगता भी था कभी नहीं भी लगता था। मैंने कहा मुझे समझ भी नहीं आ रहा है ये है क्या, ये पंबन ब्रिज बना हुआ है, ये सब क्या चीजें हैं, ट्रेन जाती है ना समुद्र के ऊपर से, क्या है ये? तो हाँ वो ब्रिज है ना, 15 मिनट का रास्ता है, ट्रेन आपको रामेश्वरम के टापू पे ले जाती है, रामेश्वरम आइलैंड की तरह है। तो यहाँ से वो आपको ले जाती है एक कोने पे रामेश्वरम आइलैंड की तरह, तो वहां रामेश्वरम है। रामेश्वरम के ऊपर एक बस का पुल जा रहा है गाड़ियों का, और एक ट्रेन का पुल जाता है, तो दो पुल जाते हैं रामेश्वरम। जब पहुंचते हैं धनुषकोडी, एक ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है ना भगवान के धाम का, जहां से उन्होंने तीर छोड़ा भगवान राम ने, उस पुल को तोड़ दिया था, तो इसलिए वो दिखता नहीं है कि यहाँ से सामने से पत्थर, मगर अगर सैटेलाइट व्यू से देखें तो पत्थर दिखते हैं। तो राम सेतु जब बना था तो उस समय है ना ये बनाया गया, नल हम सुनते हैं है ना, आर्किटेक्ट थे, उनको बोला गया कि जाओ इस तरीके से तुम्हें ये पुल वगैरह बनाना है। तो वानर सेना लग गई अपने अपने काम में, विशाल विशाल वानर थे, हनुमान जी और बाकी शक्तिशाली वानर बड़ी बड़ी चट्टाने ऐसे उठा के फेंक रहे, उस पे नाम लिख रहे राम, या दो पत्थरों पे, कई जगहों पे ऐसा आता है कि रा लिखा एक पे माँ लिखा, रा आ की मात्रा और एक पे माँ, तो रा और माँ जुड़ के वो पत्थर जुड़ जा रहे, ऐसे फेंक रहे जय श्री राम जय श्री राम, बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे। और जब बड़े बड़े पत्थर फेंके तो जुड़ते जा रहे, और कितना लंबा बनाया, कितना है ना 1200 किलोमीटर का, 100 योजन एक योजन 12 किलोमीटर का होता है, तो रामेश्वरम से लंका का इतना बड़ा पुल बनाया। तो जब बन रहा था वो पुल, तो उसमें गिलहरी आई, गिलहरी आती है, छोटे से हाथ होते हैं आपने देखा होगा, ऐसे करके देखेगी आपको, पैर ऐसे फैला के देखेगी। तो गिलहरी आई, अपने छोटे छोटे हाथों से वो यूं फेंक रही, धूल फेंक रही, और छोटे छोटे पत्थर कितने ही उठा लेगी गिलहरी, इतना सा रोटी का टुकड़ा भी उठाती है, इतना सा उठाती है। तो गिलहरी उठा के फेंक रही, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी कहते हैं ए गिलहरी हट जा, मैं हम इतने बड़े बड़े वानर हैं, विशाल वानर इतने बड़ी बड़ी चट्टाने फेंक रहे हैं है ना, कि तेरे को चोट लग जाएगी या तू मर सकती है, हट जा इतनी धूल से क्या होगा। तो राम भगवान जो राम होते हैं वो इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं हनुमान जी से। तो हनुमान जी एकदम से आके प्रणाम करते हैं, कहते प्रभु आप ऐसे क्रोधित क्यों हैं मुझसे। तो भगवान राम कहते हैं कि जो जिसमें जितनी गिलहरी में क्षमता थी वो उस हिसाब से अपनी सेवा कर रही थी, उसको छोटा शरीर मिला है, उसके हाथ छोटे हैं, तो उतना ही तो फेंकेगी, वो बड़े चट्टान तो फेंक नहीं सकती, पर अपनी क्षमता के अनुसार वो उतना ही कर रही है। और आप जो हैं इतने विशाल हैं, इतने शक्तिशाली हैं, 8 सिद्धियां हैं, अड़ीमा लगीमा, तो ये आप अपनी शक्ति के हिसाब से इसको फेंक रहे हैं, तो मैं आप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं देखता। तो भगवान डिफरेंशिएट नहीं करते, आप जो सेवा कर रहे हो है ना, एक हो सकता है क्लीनिंग की कर रहा हो, आप क्यों कह रहे हो तो क्लीनिंग करते हैं हम ऊपर हुए, अरे मंदिर में अगर कोई झाड़ू भी मार रहा है ना वो बहुत ऊंचे स्तर पे है, आप उसको छोटा मत समझना, आपको लगेगा स्वीपर है, इसको बात करना नहीं आता, माला करना नहीं आता, ठीक है माला करना नहीं आता कर लेगा ना धीरे धीरे, अगर वो मंदिर में सेवा कर रहे भगवान की, आपको नहीं पता कि हम उससे खुश होए ना होए, भगवान जरूर खुश होते हैं, हम 1% उससे खुश ना हो। मान लो स्वीपर है बहुत, ऐसा तो नहीं रखते मंदिर में कभी नशे करने वाले स्वीपर को, पर मान लो अभी भी उसकी छुप छुप के आदत है, गुटखा खा लेता है, पान खा लेता है, बीड़ी पी लेता है छुप छुप के है ना, और मंदिर भी आ रहा है, सेवाएं भी कर रहा है, माला भी नहीं करता, किसी ने बोल दिया एक आध बार करी थी फिर छोड़ दिया, तो वो बहुत बड़ी सेवा में है, छोटी सेवा में नहीं है। सोचो जो लोगों के लिए क्लीनलीनेस कर रहा है, अगर मंदिर क्लीन नहीं होंगे कोई पैर रखेगा, कोई भी नहीं आएगा मंदिर, अगर हॉल गंदे होंगे, टॉयलेट गंदे होंगे, आसपास का एरिया सराउंडिंग गंदा होगा, कोई भी नहीं आएगा। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, प्रभुपाद जी कहते। तो अगर उसको फर्श ही गंदा मिल गया भगवान के दर्शन क्या करेगा। हाँ अगर भावुक भक्त होगा तब तो कैसे भी पहुंच जाएगा, नॉर्मल हम जैसे होंगे पहुंचेंगे नहीं, कहेंगे मंदिर बड़ा डिसमैनेज है दूर से ही कर लो। इस तरह से आपने देखना चाहिए सेवा, हम हो सकता है डिफरेंशिएट करें, भगवान अपने भक्तों में डिफरेंशिएट नहीं करते, या ऊंचा भक्त कर सकता है डिफरेंशिएट है ना, या सेवा देने वाले भक्त भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो क्यों करते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा अपना काम है ना, अपने काम अपने सेवा पे ध्यान दो, उधर क्यों ध्यान दे रहे हो कि मेरे उनको तो बुक स्टॉल में लगा दिया, मुझे झाड़ू पे लगा दिया। अरे तो क्या हुआ, झाड़ू मारना छोटा है क्या? ओडिशा के राजा जब जगन्नाथ जी का रथ चलता है तो सड़क पे ऐसे ऐसे करके झाड़ू लगाते हैं, ऐसे करके, तो आपने देखा होगा वो वीडियो,
जगन्नाथ रथ यात्रा में लोग झाड़ू लेके निकलते हैं स्पेशली, है ना, उनके साथ, उनके पीछे पीछे वो भी लगाते हैं। तो सोचो वो नहीं लगा रहे क्या, बोले झाड़ू लगा दिया, ये रथ खींच रहे हैं, वाह ये लोग अच्छे हैं, रथ पे बैठे वाले तो और भी अच्छे हैं, वो आराम से जा रहे हैं, खींचने वालों को तो ज्यादा प्रमाण रहता है और वो ज्यादा है। तो जगन्नाथ जी ये थोड़ा ना देख रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कौन कितनी सेवा कर रहा है मेरी, उनके लिए तो सब रूप में बराबर है व्यक्ति। तो ये चीज हमें देखनी चाहिए। तो राम सेतु का एग्जाम्पल लेते हैं, सेवा में भगवान हम डिफ्रेंशिएट कर ले मगर भगवान नहीं करते। और अब आती है बात, सेवा से रिलेटेड हो गया, अब आता है डोनेशन, कि डोनेशन भी तो एक सेवा ही है, भगवान को दान करना भी तो सेवा ही है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं बलि महाराज और वामन भगवान का, आपने सुना होगा है ना, केशव धृता वामन रूपा, है ना, जय जगदीश हरे, केशव यानी कृष्ण ने वामन रूप लेके आए। तो जब वामन रूप लेके आए बौने ब्राह्मण के रूप में, है ना, तो बलि महाराज जो थे बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें ये तीनों लोगों, पहले है तो वैसे 14 प्लैनेट, 6 ऊपर 7 नीचे बीच में अर्थ, मगर ऊपर के लोगों को 6 को कभी कभी एक और नीचे 7 को एक बोल दिया था, एक एक और सेंटर में पृथ्वी 2, तो तीनों लोगों में के राजा बन गए थे, बहुत शक्तिशाली थे बलि महाराज। और बलि कौन थे, प्रहलाद के पोते, प्रहलाद के पोते कहलाते हैं बलि महाराज, असुर कुल में जन्म लिया था। तो जब भगवान वामन आते हैं इनसे, है ना, देवताओं के याचना करने पे वामन रूप में आते हैं, तो आने पे ये 3 पग भूमि मांगते हैं बलि महाराज से। बलि महाराज जानते हैं कि भगवान स्वयं, है ना, वामन भगवान के रूप में आए हैं, तो 3 पग भूमि मांगते हैं शुक्राचार्य जो कि उनके गुरु होते हैं, इनके बलि महाराज के, तो असुरों के गुरु कहलाते हैं शुक्राचार्य, और देवताओं के कौन कहलाते हैं, बृहस्पति। तो क्योंकि बलि महाराज ने असुर कुल में जन्म लिया था तो उनके गुरु कौन थे, शुक्राचार्य। वो कह रहे थे ये विष्णु है, इसको दान मत करना, है ना, तुम्हारे से सारी संपत्ति को छीन लेगा ये। मगर बलि महाराज ने कहा नहीं, है ना, इन्होंने बोला है और राजा का कर्तव्य होता है दान देना, जबकि असुर कुल में जन्मे है, मगर उन्होंने बोला है कि राजा का कर्तव्य है दान देना। और वो जानते थे कि ये स्वयं भगवान आए हैं वामन रूप में, तो कहते हैं जरूर मैं दूंगा, पर 3 पग तो कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं मुझे इतना ही चाहिए। तो भगवान पहला कदम रखते हैं, है ना, ऊपर के लोग, फिर दूसरा कदम नीचे के लोग, सारा ब्रह्मांड को नाप लेते हैं, तीसरे पैर की बोलते हैं मुझे जगह नहीं मिल रही है, मैं कहाँ रखूं, है ना, सारे लोग को मैंने कवर कर लिया है। तो बलि महाराज कहते हैं तीसरा, है ना, तीसरा पग आप मेरे सर पे रखें, मेरे मस्तिष्क पे रखें। तो जब उन्होंने अपना सब कुछ अपना दान कर दिया इस तरह से, तो वो क्या कहलाए, बलिदान, मतलब सबसे बलि ने जो दान किया सबसे बड़ा दान देने वाला बलिदान। तो ये बलिदान वर्ड भी बलि महाराज से ही आया। कई लोग सोचते हैं ना उन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, है ना, या कहीं और के लिए बलिदान दिया अपना, तो बलिदान जो बलि ने दान दिया वहां से आया। मगर एक्चुअली देखे तो बलि के दान जितना कोई दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता, सोच के देखो, जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया, इसलिए वो आचार्य भी कहलाए आत्मनिवेदन के आचार्य, सब कुछ अपना न्यौछावर भगवान पे कर दिया। और बाकी डिटेल में अगर कुछ को पढ़ना है तो भागवतम का 8th कैंटो आप पढ़ सकते हैं, वेबसाइट है bhagavatam.in, वेबसाइट से अगर बुक नहीं है भागवतम, 8th कैंटो को, है ना, उसमें भगवान वामन के बारे में डिटेल में आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक और लेते हैं जुहू के ऊपर। जुहू तो आपने सबने सुना होगा, जुहू बीच बहुत फेमस है मुंबई का, सबने देखा सुना, कहीं तो सुना होगा, पिक्चरों में तो देखा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कहीं देखा ही ना हो। तो जुहू में जब प्रभुपाद जी ने कई मंदिर बाहर बना दिए, तो वो इंडिया आए तो वो चाहते थे कि यहाँ पे एक मंदिर बने जुहू में। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के मालिक थे उनका नाम था मिस्टर नायर। तो मिस्टर नायर जो थे बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। 1973 में प्रभुपाद और मास्टर नायर आपस में मिले और उन्होंने लैंड, है ना, अपने भक्तों के थ्रू इसको परचेज करने को बोला। तो उसमें हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज थे आज भी जो हैं, तो और कई भक्त थे, तो उन सब ने प्रभुपाद के जाने पे लैंड को परचेज किया। तो प्रभुपाद जानते थे कि इंडियंस जो होते हैं ना उनकी मेंटेलिटी सही नहीं होती, क्योंकि सही होती तो बाहर जाने की जरूरत क्या पड़ती, तब तो फिर यहीं रहते, यहीं सबसे पहले प्रचार हो जाता है ना। तो जो मिस्टर नायर थे उन्होंने क्या किया, कई बार पहले भी वो ऐसा कर चुके थे कि प्रॉपर्टी को पैसा ले लेते थे मगर अपना लैंड को देते नहीं थे। जुहू के पास जो जुहू में लैंड था उनका समुद्र, है ना, उसको देने को तैयार नहीं होते थे किसी को,
या इतना महंगा उसका रेट लगाते थे कि वो व्यक्ति अगले पैसा दे ही नहीं पाता था, उसकी डेट देते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने 1 करोड़ का घर लिया, उसमें लिखा है कि आपको पहले 50 लाख देना है और अगले 1 महीने के अंदर 50 लाख देना है। अगला दे ही नहीं पाता था, कहता था मेरा हो गया, हा, 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 मैं क्यों दूं। और ये बात सही है अगर देखा जाए तो। इस तरीके से जो मिस्टर नायर थे, उन्होंने प्रभुपाद के शिष्यों को दिया, तो जब उनने खरीद लिया तो वहां पे उनने 50% पैसा, मतलब अपना पैसा मैं दे दिया था। तो जो नायर थे, नायर ने उन्हें डेट दी, इतना रिमेनिंग आप मुझे इतना दे देना। तो उस समय जितना उन्हें पैसे दिया था, शायद 50,000 या 1 लाख था, वो भी बहुत था। 1973 की बात हो रही है, 50,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती। तो जब उस समय दिया तो नायर ने इनकार कर दिया, है ना, बाद में, कि ये लैंड तुम्हारा नहीं है, मेरा है। जबकि अभी डेट भी नहीं आई थी, मगर पहले ही मना कर देते हैं। तो भक्त जो है वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं उस लैंड में, कहते हैं हमारा लैंड है। प्रभुपाद उस लैंड को नाम देते हैं हरे कृष्णा लैंड। तो जब वो वहां पे भक्त रहने लग जाते हैं, अपना छोटी कुटिया बना के, है ना, टेंट हाउस बना के रहने लग जाते हैं, तो वहां पे डीटीज भी आ जाते हैं जिनका नाम होता है श्री श्री राधा रस बिहारी। आज भी आप उन्हें देख सकते हो, वहीं पे हैं। तो जब आए उनके पास तो उनने वहां पे छोटा सा टेंट हाउस बनाया और वहां पे राधा रस बिहारी की पूजा अर्चना सब कुछ शुरू कर दी। अब सोचो, ये अंग्रेज थे, हमारा भाव देखो, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में आए हैं और मंदिर बना रहे हैं, अपना घर में ही है, वहीं तंबू टेंट हाउस कैसे कैसे गढ़ के रह रहे हैं और भगवान की सेवा में। क्यों? भाव इतना है कि यहाँ पे भी भगवान की सेवा हम स्टार्ट कर देते हैं पहले से ही, जब तक मंदिर नहीं बनता। हम कर सकते हैं, आप सोच के देखो, आप हम लोगों के लिए कहना कितना आसान है ना, हमें बहुत भाव है, कुछ भाव नहीं है। आप बोल के देखो, एक अगर आपको दूसरी कंट्री में, कंट्री छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अगर केवल एक प्लेस से दूसरा प्लेस जो आपसे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी दूर होगा ना, बोला जाए अपना घर छोड़ के यहाँ रहो, घर नहीं जाना, यहीं रहना जब तक मंदिर तैयार ना हो जाए। परेशान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे हम लोग, अहंकार हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा हमारा, किसी को मारे पकड़ के पीट के। सोचो कुछ भी नहीं था फिर भी यहाँ रहे, है ना, और लैंड को परचेस किया। और जब रह रहे थे यहाँ पे सब कुछ सही, जैसे जैसे वो चला रहे थे तो नायर ने खाली करने को बोला, तो डिवोटीज नहीं हटे। उन्होंने कहा हम पैसे दे देंगे, हमने तो तुम्हें पैसा दे दिया है ना, तो लैंड तो कायदे से हमारा, वो आप किसी चीज खरीद लेते हो तो हमारी तो कहलाएगी वो। वैसे उन्होंने खरीद लिया, तो नायर नहीं माना। नायर ने कहा इमीडिएटली मैं अथॉरिटीज को बुलवाता हूँ और अपना लैंड वापस लेके इनके तंबू सारी चीजों को तोड़वाता हूँ। तो वहां पे उन्होंने कई लोगों को भिजवाया, उसको तोड़ा गया टेंट हाउस को, भक्तों को मारा गया, पिटाई करी गई। एक माता जी थी, उन्होंने अपने रक्षा के लिए कई लोगों को बचाने के लिए थप्पड़ मारा, बट उनको उनसे पीटा गया, स्टिक होती है ना पुलिस वालों के पास, उससे मारा गया उनको। सोचो कितनी तेज, कितनी मार खाई होगी। हम जितने इतने मंदिर आज जा रहे हैं ना, या आज जो हम क्लासेस भी कर रहे हैं, हम बिलीव भी नहीं कर सकते। एक एक बार खा के देखो बस, मैं तो कह रहा हूँ एक बार हम सबको खा के देखना चाहिए, हिल जाएंगे पूरे ऊपर से नीचे, शायद सह भी ना पाए, शायद सह भी ना पाए आधे से ज्यादा हम। तो उन्हें मार खाई, पिटाई खाई, ट्रक में उन्हें डाल दिया गया। तो उसी समय प्रभुपाद जी को ना एक बात खबर पहुंची और उनके जो भक्त हैं उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया पास ही के, और उन पे केस कर दिया गया कि ये लैंड जो है मिस्टर नायर का है और इन लोगों ने मिस्टर नायर की प्रॉपर्टी पे जोर जबरदस्ती आके रहने लगे हैं और यहाँ पे करने लगे। तो प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने कहा कि लैंड हमने ऑफिशियली परचेज किया है, अभी इसकी डेट भी नहीं आई है, रिमेनिंग भी हम दे देंगे, तो ये लैंड हमारा हुआ। तो इस तरह से केस चला। तो प्रभुपाद जी को एक सपोर्ट में कर एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था पीएल सेठी, ठीक है। तो वो नायर से मिलने गए उनके घर पे, वहीं रहते थे मुंबई में। तो जब जाते हैं, नायर कहता है ये प्लॉट, ये जो लैंड है ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है, तुम लोग जोर जबरदस्ती आके यहाँ पे रह रहे हो, है ना। और प्रभुपाद जी को धमकी देता है, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं तुम्हार को मार डालूंगा। ये वो बोलता है प्रभुपाद जी को धमकी दे के, मैं तुम्हार को मार डालूंगा। प्रभुपाद जी समझते थे बहुत बड़ा राक्षस है, एकदम आसुरी क्या व्यक्ति है, इसको मरना बहुत जरूरी है। उसी रात जिस रात उसने बात प्रभुपाद जी को बोली, प्रभुपाद जी और पीएल सेठी बाकी भक्त वहां से चले गए। तो जब चले गए तो उसी रात, है ना, वो व्यक्ति भय से कांपने लगा, पसीने छूटने लगे पूरे शरीर में, कंपन होने लगा ऐसे ऐसे करके, ये क्या हो रहा है मेरे शरीर में, और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो उसकी जो वाइफ थी मिसिज नायर, अब वो आती है प्रभुपाद जी से बात करने कि तुमने, इसने मेरे पति को मारा है। प्रभुपाद जी पे केस करने को कहती है, इसने मेरे पति को मारा है।
तो पीएल सेठी जी क्या है ना, पीएल सेठी जी कहते हैं उनको, किसको, मिसिज नायर, जो रो रही होती हैं और प्रभुपाद जी पे कर रही होती हैं, केवल 15 मिनट के अंदर वो भक्त बनती है ना, ये सब बोलते हुए। पीएल सेठी कहती है, जब तुम जानते हो, सेठी जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी इतने शक्तिशाली हैं, स्वामी जी इतने शक्तिशाली हैं, तो तुम इनको लैंड दे क्यों नहीं देती? अगर तुम्हें पता है, जैसे तुम्हारे पति की जान जा सकती है तो तुम्हारी नहीं जा सकती क्या? तो बाद में प्रभुपाद जी को सरेंडर करती है कि हाँ ये बात तो सत्य है। फिर वो प्रभुपाद जी को प्रणाम करके अपना पूरा का पूरा जितना भी उनका ये लैंड होता है, हरे कृष्णा लैंड, वापस प्रभुपाद जी को कर देती है। इस तरह से इतनी कठिनाइयों के बाद एक टेम्पल बनता है। और आज भी हम जो मंदिर देख रहे हैं ना, ये मंदिर इतनी आसानी से नहीं बने हैं, बहुत समय लगा है। मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, ये दिल्ली का ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर है, बहुत फेमस है, आप जानोगे, आओगे कभी यहाँ पे तो जिसने देखा होगा उसको पता होगा, बहुत फेमस है। बुक शॉप आप जाओ, इतनी बुक्स मायापुर में नहीं मिलती जितनी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में मिलती है, क्योंकि मैं तो होके आया हूँ और मैं बुक सेक्शन सबसे पहले देखता हूँ। तो बुक्स, हालांकि मायापुर टेम्पल बाकी चीज़ों के लिए, प्रसादम के लिए, मृदंग, बाकी कपड़े, इन सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, और प्रीचिंग डेफिनेटली टेम्पल सबसे बड़ा है, मगर बुक सेक्शन इतने बड़ा नहीं है जितने यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेजरली बुक्स बंगाली में होती हैं। यहाँ पे आपको हर वैरायटी ऑफ बुक्स मिलेंगी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में, हिंदी इंग्लिश जो आप मांगोगे वो मैक्स मोस्टली मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छी एक, तो ये मंदिर जो है 1998 में बना, उससे पहले की अगर बात करें प्रभुपाद जी कहाँ कहाँ, ये जो आप देखते हो राधा पार्थ सारथी या राधा रस बिहारी, ये प्रभुपाद जी के स्थापित विग्रह हैं। तो जब राधा पार्थ सारथी थे ईस्ट ऑफ कैलाश के, इनको लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, अलग अलग जगहों पे ले जाया गया, ट्रैवल करते रहते थे ऐसे ऐसे, इतनी अलग अलग घर बदलते रहते थे, क्यों? क्योंकि कोई जगह नहीं थी, मंदिर के लिए जगह नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे बताया जाता है ना, बेटर मैंने जो सुना है अभी तक, जो पास के भक्त रहते हैं यहाँ के, है ना, जैसे यहाँ पे हमारे साथ में खुशाली हैं, उनमें बिल्कुल पास रहते हैं मंदिर के, तो यहाँ पे एक बाबा रहते थे, तो वो बाबा हटने को तैयार नहीं था, वो कहता था मेरा लैंड है, तांत्रिक था, कहता मेरा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जबकि खरीद भी लिया था ऑफिशियली, और वो बस कुछ नहीं था, एक होता है ना जैसे इंडिया में मेरा है, मतलब अपना रौब दिखा के उस जगह को घेर लेते हैं, तो इस तरीके से घेरा हुआ था। बाद में जाके बहुत मुश्किल से उसको हटाया, ऐसा नहीं था वो हटने को तैयार नहीं था, बट भगवान के आगे कोई टिक नहीं सकता, तो उसको हटाया, हटवाया गया। और वो लैंड जो थी, आपने देखा होगा कैलाश हिल्स कहलाता था, वो हिली रीजन था, इसलिए टेम्पल देखोगे ऐसे है, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे ऐसे करके बना हुआ है, अलग अलग ऐसे करके बना हुआ है, ऊपर नीचे, बहुत बड़ा टेम्पल है वो भी दिल्ली का। तो इस तरह से उस टेम्पल में अगर आप देखोगे, बहुत संघर्ष किया है महाराज ने, ऑटो में जा जाके, बसों में जा जाके, सो सन्यासी जा रहे हैं डंडा लेके और बोल रहे हैं पैसा दे दो, मंदिर बन रहा है हमारा, ऑटो में जा जाके ऐसे करके जोड़ा है, बहुत मेहनत से एक एक मंदिर बनते हैं। तो आज जो हमें सेवा दी गई है ना, या मंदिरों में जोड़ा गया है, हम लोगों को कुछ नहीं करना, देखो मंदिर बने पड़े हैं, एक मंदिर बन रहा है अपना लोकल टेम्पल, वो भी बना हुआ है, ये नहीं बोल सकते बना हुआ नहीं था। द्वारका मंदिर की कंस्ट्रक्शन 2020 से स्टार्ट हुई है, इससे पहले नहीं था, हाँ 2019 से स्टार्ट हुई है, इससे पहले वैसा ही था जो हम नीचे वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंगल एक फ्लोर में, एक ही फ्लोर का टेम्पल है, ग्राउंड फ्लोर वो बना हुआ था। बाकी जो इधर बड़ा मंदिर बन रहा था वो बना नहीं था 2019 से 23, 4 साल के अंदर इतना बड़ा टेम्पल बन गया, क्यों? क्योंकि भक्त बहुत ज्यादा हैं। पहले के टेम्पल में 15-15 20-20 साल 25 साल क्यों लग जाते थे, भक्त कम होते थे, पर अब भक्त ज्यादा हैं, है ना, उनके सेवाएं बहुत ज्यादा हैं, तो फटाफट टेम्पल बन रहा है। तो ऐसे ही होता है जब हम यूनाइटेड होके काम करते हैं, है ना, सही रूप से कार्य करते हैं तो जल्दी काम होता है। अगर सारे लोग मतभेद करके काम करेंगे तो जल्दी नहीं होगा, इसलिए जल्दी जल्दी आप देख रहे हो आज के समय में इस्कॉन का एक टेम्पल खड़ा होने में फटाफट बनते हैं। जैसे अभी एक इस्कॉन का एक और टेम्पल है दिल्ली में, इस्कॉन रोहिणी, दिल्ली में बड़े बड़े टेम्पल हैं, मैं बताना चाहूँ तो दिल्ली में काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टेम्पल सब इस्कॉन के दिल्ली में ही है, बहुत ज़्यादा टेम्पल हैं, क्योंकि दिल्ली में क्राउड बहुत ज़्यादा है, छोटे से कम एरिया में भी 3 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है, बहुत क्राउडेड है दिल्ली। तो यहाँ पे एक और टेम्पल है रोहिणी, वो भी मतलब हार्डली अगर आप देखोगे दो तीन साल पहले खाली लैंड था वो, और इतनी जल्दी आज वो इतना बड़ा टेम्पल है कि उनके हॉल में अप्रोक्सीमेटली एट अ टाइम
3 से 4 हजार भक्त आ सकते हैं। तो सोचो कितने बड़े बड़े टेम्पल्स बन रहे हैं और उसकी ओपनिंग भी इस साल है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये सारे क्यों हो रहा है? भक्तों की सेवा से सब लगे हुए हैं, भक्त बहुत सारे हैं। आज के समय हमारे पास शिक्षाएं हैं, बुक्स प्रिंटेड हैं, टेम्पल्स बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं हमें, शिक्षाएं हैं, भक्तों का संघ है, प्रसाद है, ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑफलाइन जुड़े हैं, सब कुछ अवेलेबल है। कमी किस चीज की आ रही है? केवल हमारे अपने मन की। मन है ना, ये मानता नहीं है, बड़ा हलचल मचाता है ये मन, तो इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप देखो जुहू के लिए कितना कितना मुश्किल हमने बताया, अभी कितनी मुश्किल सही, एकदम से नहीं बना, भक्तों ने बहुत इसके लिए संघर्ष किया है। ये तो मैंने शॉर्ट में बताया, पर बहुत ज्यादा इसके लिए संघर्ष हुआ है। एक बार ये और बताता हूँ सेवा से रिलेटेड। जो ये बिजनेसमैन थे पीएल सेठी, है ना, एक बार ये बीमार थे, बहुत बीमार थे, इनके ट्यूब्स वगैरह नलियां लगी हुई थी, खाना पाइपों से जाता है ना, बहुत बीमार थे, चेयर पे बैठे हुए थे। तो कह रहे थे मैं मर जाऊंगा। प्रभुपाद कहते हैं आप नहीं मरोगे, उनके घर में होते हैं प्रभुपाद, कहते हैं आप नहीं मरोगे। कहते हैं मैं कैसे बच सकता हूँ, खाना तो मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे बच जाऊंगा। प्रभुपाद जी ने उन्हें याद दिलाया, प्रभुपाद ने कहा है ना, याद करो आपने भगवान को कोई ना कोई ऐसा वचन दिया होगा। अब बताओ ये कैसे जाते हैं? अगर लोग कहते हैं जो हमारे गुरुजन होते हैं सामान्य होते हैं तो ऐसे ही होते हैं ना, बस किसी ने बोल दिया, बोलने की बात ही बोल दिया। प्रभुपाद ने कहा ये आपने अपना एक वचन दिया था भगवान को, अभी तक भूल रहे हो। तो क्या मुझे याद नहीं? कहते हैं हाँ मैंने एक वचन दिया था कि जब मैं पाकिस्तान से कहाँ आ जाऊंगा, मुंबई आ जाऊंगा, बॉम्बे आ जाऊंगा, तो मैंने बोला था मैं बॉम्बे आना चाहता हूँ, 1 लाख रुपए मेरे पास हो। उस समय 1 लाख रुपए भी बहुत होते थे, मेरा एक बिजनेस हो और मेरे पास अपना एक घर हो, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आज भगवान की दया से आपका बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आपके पास 1 लाख नहीं कई लाखों रुपए हैं, आपका एक घर नहीं कई घर है। और आपने क्या बोला था कि मैं जब ये मिल जाएगा 1 लाख रुपए, एक घर और बिजनेस, तो मैं भगवान का भजन करूंगा। मगर अभी इतना समय हो गया आपने भगवान का भजन नहीं किया। वो कहते हैं हाँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नली और पाइप मैं कहता हूँ इसको उठा के फेंक दो, ऐसे उठा के फेंक देते हैं खिड़की खोल के, गाड़ी में होते हैं शायद, हाँ तो गाड़ी में वो बात हो रही होती है, तो उठा के उस गाड़ी में घर पे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मेनली उस पाइप को या नली को उठा के वो फेंक देते हैं। तो जैसे ही फेंकते हैं वो देखते हैं कि बिल्कुल वैसे ही एकदम खड़े होते हैं, देखते हैं एकदम नॉर्मल खड़े हैं, है ना, व्यक्ति देख रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो सोच रहा था मैं मर जाऊंगा, प्रभुपाद जी ने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको उठा के फेंक दो इसको, नलियां जो लगी हुई हैं। तो उठा के फेंका, एकदम तंदुरुस्त खड़े हुए थे, और उन्होंने फिर हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना स्टार्ट किया, प्रभुपाद जी उनसे खुश हुए। इससे पता चलता है अगर कोई गुरु के बताए हुई द्वारा सेवाएं करता है, कितनी भी संकट में वो हो उसको भगवान बचा लेते हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे चैंट करें, चैंट करा उन्होंने। एक और बार होता है पीएल सेठी जी मंदिर बनवा रहे होते हैं जुहू का, ब्रह्मचारी आश्रम है ना, वहां पे होटल ये सारी चीजें, बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, भक्त थे, आप इनका देख सकते हो यूट्यूब पे, पीएल सेठी रिमेम्बर शीला प्रभुपाद, पीएल सेठी शुद्ध भक्त थे, इतने बड़े बिजनेसमैन होके भी उन्होंने प्रभुपाद जी की बहुत सेवा करी है, और प्रभुपाद जी को गुरुजी करके बोलते थे, गुरुजी, क्योंकि बिजनेसमैन थे तो नॉर्मली इस तरह से वो करते थे, पर वो शुद्ध भक्त थे, चैंटिंग भी करते थे और अपना धन भगवान की सेवा में बहुत लगाते थे। जब बनवा रहे थे तो जब जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे मिट्टी विट्टी गिर जाती है ना, कीचड़ मिट्टी गिर जाती है, तो वैसे वो पूरे सन गए उससे। प्रभुपाद जी आते हैं, उनके शिष्य आते हैं, तो कहते हैं मैं इस स्थिति में कहाँ जाऊँगा, है ना, मिलने गंदा हो रखा हूँ कहाँ जाऊँगा। तो प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, प्रभुपाद के फिर भी वो जाते हैं अपनी इच्छा रख के कि पता नहीं स्वामी जी फिर गुरु जी कब मिलेंगे, मैं जाता हूँ। तो जब गए प्रभुपाद जी से मिले, तो प्रभुपाद जी को देखते हैं, उनको देख रहे होते हैं, प्रभुपाद एकदम नहीं पूछे तो देख रहे थे, वो कहते गुरु जी प्रणाम करते हैं प्रभुपाद जी को, है ना, कि आपके कमल चरणों में प्रणाम। और प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि मैं यहाँ पे बना रहा था तो काफी गंदा हो गया हूँ, इस स्थिति में मुझे मिलना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद कहते कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे भक्तों का घर बना रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि कृष्ण लोक यानी गोलोक धाम में तुम्हारे लिए तुम्हारा घर बना रहे हैं। अरे बोल, तो कितनी बड़ी बात है ये, देखो अगर भक्तों की वो सेवा कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं प्रभुपाद मैं देख पा रहा हूँ। पीएल सेठी कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं तो शुद्ध भक्त भी नहीं हूँ, मैंने तो इतना कुछ बड़ा कार्य भी नहीं करा, है ना। प्रभुपाद कहते हैं दैट इज नॉट योर जॉब कि तुम गोलोक जाओगे या नहीं, दैट इज माय जॉब, आई एम सीइंग कि वहां पे कृष्ण हुए गोलोक धाम में तुम्हारे लिए स्थान बनाया जा रहा है, क्योंकि तुम यहाँ स्थान बना रहे हो। तो वो भी गोलोक धाम को प्राप्त हुए। सोचो एक बिजनेसमैन, लोग कहते हैं हम कैसे होंगे, गृहस्थ हैं,
हम तो जा नहीं सकते, तो वो जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? विश्वास नहीं है ना, फेथ कच्चा है। हर चीज पता है कहाँ से, भक्ति की शुरुआत ही फेथ से होती है। जिसका फेथ कच्चा रहेगा, फेथ बढ़ता है पढ़ने से और सुनने से, ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं, इसलिए फेथ कभी पक्का नहीं होता, इसलिए जो बातें बोली जाती हैं वो कभी सच्चाई नहीं लगती उनमें, इसलिए फेथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमने जो सीखी कि बहुत महत्वता है दान सेवा, इनकी बहुत महत्वता है। ये अपने ने ला होके भगवान की सेवा में लगा दोगे आप, कितने लोगों को भक्त बना दोगे, है ना। दान से रिलेटेड एक और हम देखते हैं कि दान भी तीन प्रकार के होते हैं। एक भगवद गीता का 17वां अध्याय है जिसका नाम है डिविजन्स ऑफ फेथ, श्रद्धा के विभाग। उसमें हम पढ़ेंगे, हम इसमें शेयर करते हैं इसको स्क्रीन को एक बार, तो आप सब ताकि देख पाए। आई होप सब बोर ना हो रहे हो। ठीक है, वेबसाइट है इसमें आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट में। सत्रवा अध्याय श्रद्धा के विभाग, इसका 20वां श्लोक। अगर किसी को स्क्रीन क्लियर ना हो तो जरूर बताएं, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब ये स्क्रीन शेयर है 17.20, है ना, भगवत गीता का श्लोक है। इसको मैं पढ़ता हूँ पहले, फिर आप भी पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर किसी को ना हो विजिबल तो जरूर बताएं, भगवत गीता में ही है, भगवान ने बोला। अभी हमने इतनी सारी बातें सुनी कि भगवान की वाणी के बारे में, देखो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युप उपकार की आशा के बिना, है ना, आशा नहीं रखनी चाहिए मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, समुचित काल सही टाइम पे तथा स्थान में सही जगह पे और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। ये दान सतोगुणी दान है। तात्पर्य पढ़ते हैं, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो, है ना, जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो, जैसे हम सब भक्ति में लगे हैं, दान देने की संस्कृति उनके लिए की गई है वैदिक हमारे शास्त्रों में। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है, बिना सोचे समझे दान नहीं देना चाहिए। स्कॉन में सोच समझ के हम दान दे रहे हैं, बिना सोचे समझे नहीं दे रहे, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान शिक्षाएं सब कुछ है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है, अतः किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मास अंत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। कब कब स्पेशली बताया गया है? सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय दान देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय बताया जाता है दान देने से जो भी हम ग्रहण में काम करते हैं वो 1000 गुना बढ़ जाता है। महीने के एंड में, मास के अंत में, या योग्य ब्राह्मण, है ना, योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को, या मंदिर दान में, टेंपल में दान में जो आप दे रहे हो, जन्माष्टमी या टेंपल कंस्ट्रक्शन, दान देने की संस्तुति है। बदल में किसी प्रकार की प्राप्त अभिलाषा ना रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कोई अभिलाषाएं ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, फिर भी हम कहते हैं रखो अभिलाषाएं पर दान दो, क्योंकि अभिलाषा धीरे धीरे जाएंगी, एकदम नहीं जाएंगी। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, निर्धन यानी गरीब को, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। अगर आपने ऐसी दान दे दिया मगर उसमें पात्रता नहीं है सीखने की, तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्कृति नहीं, बिना सोचे समझे दान नहीं देना चाहिए। कहीं भी हम इधर उधर दान दे देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। गरीबों को दान, है ना, अनाथालयों में दान,
सारे जगह दान कर रहे हो, मगर जहाँ भगवान नहीं है वो अविचार पूर्ण दान है, वो सतोगुणी दान नहीं है। अब देखो नेक्स्ट तरह का दान, इसमें हम पढ़ेंगे। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, मैं ये भी पढ़ देता हूँ। ये रजोगुणी दान के बारे में बताया गया है। यत तु प्रति उपकारार्थम फलम अदृश्य वा पुनः दीयते चा परिक्लिष्टम तत् दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार में की भावना से या कर्म, यानी है ना उपकार की भावना से, की भावना से या कर्म फल की इच्छा से अनिच्छा पूर्ण किया जाता है, इच्छा नहीं होती फिर भी देते हैं कि क्या पता कुछ अच्छा हमें मिल जाए, कर्म फल की इच्छा रहती है पर अपनी मन नहीं मानता, वह रजोगुणी या राजस दान कहलाता है। ठीक है, अब इसमें तात्पर्य में पढ़ेंगे। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय तरह क्यों किया, इस तरह दिया जाता है। क्यों स्वर्ग दान देते हैं लोग, मंदिरों में बेंच में लगा देंगे, पंखे लगा देंगे, इस तरह के दान होते हैं। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है, ऐसा दान रजोगुण में दिए जाने माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। आप देख लो इसे लिखा है भगवद गीता में कि वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं, सत्वगुणी दान होता है, है ना, जो हम पढ़ते हैं। यानी यहाँ पे बताया गया वैष्णव को, ब्राह्मण को मास के अंत में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्पेशल ओकेजन्स पे, ये सात्विक सतोगुणी दान है, है ना, अविचारपूर्ण दान नहीं देना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा रजोगुणी दान क्या है, कर्म अपनी इच्छा नहीं है दान देने की, मगर बहुत क्यों कर्म फल अच्छा मिले, दान इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि मेरी जॉब लग जाए, दान इसलिए दे रहा हूँ मेरा नाम बन जाए। जैसे अभी मैं पहले था तो मैं भंडारे बड़े कराया करता था, भंडारे मैं तो नहीं कराता था, मेनली कराने वाले कोई और थे, पर मैं भी चले जाता था, मैं ज्यादा तो नहीं डालता था, पर वहां पे सेवा विवाह बोलते थे, लंगर चल रहा है, ये चल रहा है, साईं बाबा प्रसाद खाओ, क्या खाएंगे साईं बाबा बताओ, जो खुद अपने आप को नहीं खिला पाए वो दूसरों को खिलाएंगे, वो कोई देवी देवता भी नहीं है। अगर साईं जो है ये कौन है, मायावादी, ये भगवान नहीं है, लोगों ने अपने घरों में फोटो लगा के पूज रखा है, लोगों को बुरा लग सकता है पर वो भगवान नहीं है, कहीं 33 करोड़ देवी देवता में नहीं आते, एकादशी भंग करवाते थे लोगों की, कहते थे, क्या कहते थे, उनका साईं चरित्र नाम से पुस्तक है, एकादशी के दिन अपने शिष्यों को टेस्ट करने को कहते थे कि इन सबको मटन खिलाओ, बाबा की हांडी है, नाम दिया था कि इसमें मटन खिलाओ, टेस्ट करो कोई एकादशी तो नहीं रख रहा मेरा शिष्य, एकादशी भंग करो, अब बताओ, और लोग पूज रहे हैं ऐसे ऐसे करके, घंटे बजा रहे हैं, आपको लगेगा टन टन, अरे ये तो सेम भगवान कृष्ण की तरह हो रही है, अरे ऐसे ही होता है, हिरण्यकश्यप भी तो अपनी पूजा करवाता था, हिरण्यकश्यप नहीं कराता था क्या, वो भी तो ऐसे कराता था, मेरे को धूप अगरबत्ती सारी चीजें करो, पुष्प चढ़ाओ मुझ पे, ऐसे ही होते हैं आसुरिक प्रवृत्ति के लोग। तो दान जो दिया जाता है बिना इच्छा के, अपनी इच्छा नहीं है मगर कर्म फल की इच्छा है कि मुझे इससे कुछ फायदा मिले, पार्कों में बेंच लगवाना है ना, मंदिर में नॉर्मल अपने आसपास के देवी देवताओं के मंदिर में पंखे लगवाना, पंखों में नाम लिखवा देना ऐसे करके, ऊपर दीवारों पे लिखवा देना, टाइल होती है ना मंदिरों की, इस्कॉन द्वार का भी लिखता है टाइलों पे नाम, मगर वो डिजिटलाइज्ड वे से, मगर ये क्या होता है, इस पत्थर पे मेरा नाम है ना, ये पत्थर इन्होंने दिया, ये पत्थर इन्होंने दिया, और फिर लोगों को दिखाना, वो कृष्ण मंदिर नहीं है ना, क्योंकि आपने दिया मगर वो देवी देवताओं का मंदिर है, तो वहां पे आपने इच्छाएं प्रकट करी थी इसलिए आपने वहां पे दान दिया, तो ऐसे दान रजोगुणी कहलाता है। अब एक और पढ़ते हैं नेक्स्ट, बस ये लास्ट है, इसके बाद हम एंड करेंगे। अब है तमोगुणी दान, तीन प्रकार के दान है। 17.22 आदेश काले यत्दानम आप पात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तथा तामसम उदाहितम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, है ना, जो पवित्र ना हो, अनुचित समय में, बिना समय के कोई भी समय दे दियो,
मतलब ये भक्तों के लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए बताया जा रहा है। किसी अयोग्य व्यक्ति को, है ना, योग्य नहीं हो या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। यहाँ पर मद्यपान तथा दूध क्रीडिया में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन किया। दूध क्रीडिया यानी जुआ खेलना, मद्यपान यानी शराब पीना, ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे दान जैसे इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वो भी तामसी है। यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए बिना किसी उपयुक्त को दान दिया जाए, ऐसी बस दान दे दिया, तो ये भी तमोगुणी दान है। जैसे पार्टीज होती हैं, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी तो करती हैं वोट देने के लिए, शराब शराब का दान करती हैं, लोग वोट दे देते हैं, एक बोतल के लिए बिक जाते हैं 1000 रुपए की, कहते हैं हम आपको देंगे वोट, तो ये कैसा दान है? दान तो वो भी कर रहे हैं, शराब का दान कर रहे हैं, तो ये कैसा है? ये तमोगुणी दान है। जनरली लोग या तो रजोगुणी दान करते हैं या तमोगुणी। सतोगुणी के प्लेटफॉर्म पे भी दान किया जाता है ना, मगर जो भगवान के लिए दान होता है वो हमेशा सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे होता है, वो रजोगुण और तमोगुण कभी भी नहीं होता, मगर सतोगुण वाले लोग कम होते हैं। तभी तो इस कौन में आप देखो कम लोग जुड़ते हैं ना, दान तो दे रहे हैं, मगर अगर आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से देखो कितने लोग दान दे रहे हैं, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। इतने सारे चर्चिस बनते हैं आसपास या मस्जिदें बनती हैं, मस्जिद तो आपने बहुत कॉमनली देखी होंगी कैसे बनती हैं, एक गली है पतली सी, उसमें पास में मस्जिद बन जाएगी, घर के पास में हमारे छोटी छोटी गलियों के बीच में बड़ी बड़ी मस्जिदें होती हैं। अब बताओ वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से दान लाए या फिर कहीं और से लाए, इक्के दुक्के ऐसे गलियों में इतनी बड़ी मस्जिद बनाने के लिए भी तो दान चाहिए ना, अपने आप तो नहीं बन जाएगी, मगर वो अपना कुछ न्योछावर कर देते हैं कि हमारा घर पहले बने ना बने, मस्जिद पहले बनेगी, भगवान का घर पहले बनेगा, गलियों में ऐसे ही करते हैं। और वहां पे फिर जब मस्जिद बन जाती है तो पर्पस क्या होता है उनका? पढ़ाना लिखाना सिखाना, लोगों को सही रास्ता देना, मगर हम देखते हैं कि भगवान अल्लाह कौन है? भगवान कृष्ण है ना, डेफिनेटली अल्लाह वही है, मगर टीचिंग्स हमारी जब डाइवर्ट हो जाती हैं तो फिर हमें क्या मिलता है? गलत शिक्षाएं मिलती हैं, फिर क्या होता है? समाज डाइवर्ट होता है, इस तरह से ये देखते हो। पर अगर देखो सरेंडर कितना है, वो लोग भी तो दान कर रहे हैं ना। यहाँ एक मंदिर बन रहा है जहाँ पे करोड़ों की लाखों की जनसंख्या आ रही है, जन्माष्टमी में 5 लाख लोग आ रहे हैं, और वहां पे अगर आप दान नहीं दोगे, सोचो आपका छोटा सा प्रयास लोगों को भक्त बना देगा, और अगर आप बोलोगे दान नहीं देंगे तो क्या वो लोग भक्त बनेंगे? नहीं बनेंगे। फिर क्या, फिर वो कहते हैं अरे हमारे मंदिर टूटे जा रहे हैं, हमारे मंदिरों की कुछ नहीं होती है, रक्षा नहीं होती है। अरे आप देखो तो सही, आप कभी सरेंडर देख सकते हो? हम मुस्लिम या किसी कम्युनिटी के लोगों को बोल ऐसे देते हैं, मगर उनका कभी सरेंडर या उनका जाना, उनकी शरणागति कितनी है उसके प्रति? 5 बार दिन में नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ व्यक्ति चैंट नहीं कर पा रहा, 5 माला नहीं कर पा रहा, और तो छोड़ो नमाज पढ़ने में तो 5-10 मिनट लगते हैं, चटाई अपना लगाते हैं, अपना कपड़ा लगाते हैं, चादर लगाते हैं, उसमें प्रणाम करते हुए करते हैं, है ना, प्रे करते हैं। यहाँ व्यक्ति कह रहा है 5 माला नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? आप समय देना नहीं चाह रहे हो, सिंपल बात है, आपकी शरणागति क्यों कम है? आप देना नहीं चाह रहे हो। फिर वही बात आती है, फेथ कम है, फेथ को बढ़ाओ। फेथ आएगा सुनने से और पढ़ने से, क्लास लीव करके जाने से फेथ नहीं बढ़ता, व्यक्ति किस जो सिखा रहा है उसको छोड़ के जाने से फेथ नहीं बढ़ता। फिर आप बोलोगे कि हमारा धर्म कुछ नहीं करता, करता बहुत है, बोलो आप कुछ नहीं करते, प्रॉब्लम हमारे में खुद की है। जब भी हम चैंटिंग भी करते हैं तो उंगली एक ऐसे होती है और 4 उंगलियां अपनी तरफ होती है, तो ध्यान देना चाहिए, किसी को हम ऐसे करके उंगली भी दिखाते हैं, ओए ऐसे करके, तो 4 उंगली हमारी तरफ है जो हमारे ऊपर पॉइंट कर रही है कि भाई पहले अपनों में तो देख लो, अपनों में कितनी कमियां आपने, बाकियों में तो आप क्या दूसरों में ध्यान दोगे, अपने में देखो कितनी उंगलियां आपकी अपने तरफ है। तो हमें समझना चाहिए हम कितनी शरणागति है, यहीं से पता चल जाती है। तो दान हम ये नहीं कहते घर बेच दो, सब कुछ बेच दो, मगर खुद भी करो, दूसरों से भी करवाओ, हर व्यक्ति से दान कराना चाहिए। जन्माष्टमी साल में एक बार आती है, रोज का फेस्टिवल नहीं है। इस समय आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कलेक्शंस कर सकते हो लोगों में, वर्ल्ड में ऐसा कोई मंदिर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जन्माष्टमी को ना मानता हो। अब तो प्रभुपाद ने फॉरेन में भी इतना प्रचार किया, फॉरेन कंट्रीज में भी जन्माष्टमी होती है बड़े पैमाने पे, वहां पे भी लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। हम ये नहीं कह रहे उधर दो, अभी हमने सीखा एक जगह रह के एक व्यक्ति के अंडर रह के दो, इससे मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मगर आप लोगों की दान को एक्चुअली काउंट किया जाएगा कि देखो इन भक्तों ने इस नाम से दान दिया,
अगर आप इधर दे दोगे उधर दे दोगे तो आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं हो, कनेक्टेड इधर हो, दान उधर दे रहे हो, ना आपका नाम उधर आएगा ना इधर। हम नाम के अभिलाषी नहीं है, हम गुप्त दान देते हैं। अरे अगर आप गुप्त दान देते ना, सच बता रहा हूँ, अगर हम लोग गुप्त दान देने वाले इतने होते ना तो हम अपनी प्रॉपर्टी बेच के दान दे रहे होते। सच आप देखो, अगर किसी को गुप्त दान देना हो, इतनी सारी मस्जिद बनती है गली मोहल्लों में, क्या उनका कहीं न्यूज़पेपर में नाम छपा गया, इन्होंने इतने मस्जिद बनाई, इन्होंने चर्च बनाया, इतना दान दे के वो बनाया? कहीं नाम नहीं आता। गुप्त दान देते हैं, अपना छोटे घर में रहते हैं, मस्जिद बड़ी करते हैं। अगर इतने बड़ा आप गुप्त दान देना चाहते हो तो फिर झूठ क्यों बोलते हो? दिए आपने 500,000 रुपए, बोलते हो गुप्त दान। दान तो दान है, कि जैसे गिलहरी की सेवा है, आपने भी सेवा करी उसकी तरह ही, जितनी आपकी क्षमता थी। मगर ये गुप्त दान देना दान है, मगर हमें प्रोसेस से चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मैं तो यही बोलूंगा। अदरवाइज जुड़ने का फायदा क्या है? फिर हम तो कहीं से भी सीख सकते थे, यूट्यूब भी था, उससे फायदा ही हमारा ही है और दूसरों का भी है। आप अगर गुप्त दान दे दोगे, आपने गुप्त दान दे के केवल अपना ही अपना फायदा किया, दूसरा व्यक्ति जो होता है जो दिखा के दान देता है वो चार लोगों को और मोटिवेट करता है, तुम भी दो भाई, मैं दे रहा हूँ, तुम नहीं दे सकते क्या, तुम्हारी कमाई नहीं है, वो भी सेवा। और अगर सेवा की वहां तक बात आती है, अभी जैसे सेवा है, वो सेवा भी बता के करेगा, मैं कर रहा हूँ, चार लोगों को बता के करूंगा कि देखो मैं सेवा कर रहा हूँ, तो ये अहंकार नहीं हो, बता रहे अरे आप भी उठो, आपको भी टाइम आ गया सेवा करने का। तो जन्माष्टमी में दो चीजें होती हैं मेनली, डोनेशन, चाहे वो जन्माष्टमी से रिलेटेड हो या टेंपल कंस्ट्रक्शन से, बेस्ट टाइम होता है, सब में भक्ति जागी होती है, सारे छोटे बड़े मंदिर, कर्म कांड, भैरव बाबा, और आप देखो साईं बाबा, हर मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जाती है, हर जगह, हर व्यक्ति, हर वर्ल्ड में जन्माष्टमी मनाई जाती है। उस समय लोगों की जो शरणागति होती है वो पीक पॉइंट पे होती है, केवल हल्का सा पुश दोगे भक्त बन जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं जन्माष्टमी पे, और सेवा में खुद भी आ सकते हैं एज अ वॉलंटियर। तो अगर वॉलंटियर सेवा में खुद आएंगे, चार लोगों को लाएंगे, तो वो भी सेवा करेंगे, आप भी करेंगे, जो मर्जी मिल जाए हम करें सेवा। इस तरह से नहीं मिले तो अपने पास के मंदिरों में करो, वहां नहीं तो अपने घर में करो। अपने घर में आपके नहीं है, भगवान का फोटो है, भगवान का विग्रह है, राधा कृष्ण लड्डू गोपाल सीताराम लक्ष्मण हनुमान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई फोटो है, जो भी है उसकी सेवा करो। शास्त्र पढ़ो, दो लोगों को जन्माष्टमी में जोड़ो, भक्त बनाओ और बताओ कि प्रभु जी ये जुड़ गए, ये दो लोगों को हमने भक्त बनाया, बाकी सेवा नहीं करे, भर के पास कौन नहीं था, यहाँ दान कर नहीं पाए, स्टूडेंट है या हमारी फाइनेंशियल इश्यूज था, कोई बात नहीं, पर दो लोगों को जोड़ के दिखाऊंगा, प्रयास करूंगा मैं, एक तो जोड़ू, प्रयास तो करो, भगवान प्रयास से भी खुश होते हैं, है ना। फाइनल आउटकम जो मर्जी आए, मगर आपने प्रयास कितना किया वो मैटर करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, और अभी हम क्वेश्चंस लेते हैं। तन्मय घोष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वीडियो ऑन करके पूछा मुझे, यहाँ पर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, मैं क्या पूछ सकता हूँ? वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा। हाँ पूछो। हाँ बाबू जी, मैं जो आपको ये बता रहा था ना कि प्रभुपाद जी क्या चैतन्य देव के इनकार्नेशन थे? नहीं, प्रभुपाद जी जो हैं बताया जाता है, नारद मुनि का जनरली बताया जाता है। नारद मुनि का? हाँ जी। और भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर? मंजरी थे वो, भगवान की, कृष्ण की गोलोक की मंजरी। यान की मंजरी? मंजरी, मंजरी मतलब, मंजरी मतलब जो गोपियों से भी ऊपर होती, गोपियों के अंडर सेवा करती हैं, मगर बताया जाता है ना, गोपीर धतुर पद कमलेर दास 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 अनुदास, तो वो गोपियों के अंडर सेवा करती हैं, मगर उनका स्तर गोपियों से भी ऊंचा होता है। जो कृष्ण की रात, जब राधा कृष्ण सोते हैं तो उस समय भी, जब गोपियां भी नहीं होती तो उस समय भी वो सेवा करती है मंजरी, तो वो मंजरी थे। मुझे यहाँ पर जो हम आपको कह रहा था ना कि यहाँ पर लोकल में एक नामहट्ट संघ है, वहां पर कल गया था तो वहां पर एक प्रभु जी ने बता रहा था कि आपका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो एक बहुत सिद्ध पुरुष थे, वो एक बार वो नयन मंजरी, नयन मंजरी नाम है, मैंने जस्ट अभी चेक किया, नयन मंजरी। हाँ सिद्ध पुरुष तो थे ही बिल्कुल। हाँ हाँ, एक बार हुआ कि
सुबह उनके बेटे उनसे एक मैजिक वगैरह की बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक लोटा वगैरह को, बहुत दूर थे उन्होंने, हाँ, और उनके हाथ में लोटा वगैरह चलाया खुद से। हाँ हाँ तो थे ही, वो कुछ भी कर सकते थे, भक्ति सिद्धांत महाराज। हाँ प्रभु जी, और एक बता रहे थे कि ये एक जो बुक है ना, नाम हट्टा परिचय नियम की, हाँ, वो क्या हम पढ़ सकते हैं वहां पर हम कुछ? प्रणाम मंत्र है उसमें ज्यादातर, हाँ, वही देख रहा हूँ ऑरेंज अब कलर के, दो। ऑरेंज कलर की है ना उसका कवर, ऑरेंज कलर सा है, ऑरेंज कलर का कवर है ना उसका, शायद पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र, प्रणाम मंत्र सब चीजें ज्यादा है उसमें ना, प्रणाम मंत्र, भजन, ये सब चीजें ज्यादा है। भक्ति का पोर्शन वहां पर दिया गया है। आवाज कट रही है प्रभु जी आपकी। हाँ, और उसमें भी आपको ये दिया गया है कि जो एक क्या बताओ, आदमी कैसे भक्त शुद्ध भक्त बन सकता है। पढ़ सकते हो, हाँ पर पहले बाकी बुक हाँ भी पढ़ लो प्रभुपाद जी की, छोटी छोटी। ये प्रभुपद की जो आपको क्या बताओ, जर्नी टू अदर प्लैनेट्स कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर कंप्लीट हो चुका है, और हाँ एक जो बुक है ना आपका, अब याद नहीं, बियॉन्ड डेट एंड बर्थ, हाँ वो अब स्टार्ट किया है, और नाम हटने परिचय वगैरह भी स्टार्ट किया है। ये बुक ऐसा होता है कि अगर आज कुछ बुक वगैरह स्टार्ट किया, आज ही कंप्लीट करने का बहुत मन करता है। नहीं ठीक है, अच्छा चल रहे हो आप, ऐसे ही करो। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर 2 दिन में खत्म कर दिया टोटली। हाँ परफेक्ट है, हो आप तो, आप खुद ही परफेक्ट हो, आप जल्दी जल्दी परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर को कर रहे हैं। प्रभु जी, हम परफेक्ट कैसे हो सकते हैं, हम तो सभी दास है, दास से भी नीचे हैं बहुत हाँ दुराचारी जिसको कहा जाता है। हरे थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण। ओम प्रकाश प्रभु जी, हरे कृष्णा। वीडियो ऑन करके बात पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ हरे हाँ जी कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, हाँ जी प्रभु जी एक सवाल पूछना था कि हाँ जी क्या जो आध्यात्मिक दुनिया का उत्पत्ति या विनाश होता है क्या? नहीं, अब आदमी दुनिया कैसे विनाश हो जाएगी? नहीं होता है ना, नहीं तो यहाँ से एक दूसरे, मतलब एक दूसरे जो जो प्रोग्राम होता है उसमें ऐसा दिया गया है कि आध्यात्मिक, माने जो जानते हैं कि कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया दोनों की उत्पत्ति और विनाश है, तो कृष्ण आध्यात्मिक दुनिया का तो विनाश कभी नहीं होता है। कहाँ लिखा है ये? ये एक प्रश्न आया था कल शाम में, क्विज में, जो अच्छा क्विज का प्रोग्राम होता है ना, जो प्रभुपाद जी के पुस्तकों पर आधारित एक क्विज आ रहा हाँ है ना, उसमें ये क्वेश्चन था कि कृष्णा मैनिफेस्ट टू दोज, माने हु नो दैट कृष्णा इज द ओरिजिन एंड डिसोल्यूशन ऑफ बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड का तो है, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का तो विनाश नहीं होना चाहिए, नहीं होता है नहीं ना? होता, नहीं होता प्रभु जी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे खत्म हो सकता है, वो तो शाश्वत जगत है। हाँ, शाश्वत है और वो तो खत्म नहीं हो सकता है, तो ये इसमें दिया गया है कि ये खत्म होता अब वो गलत किसी ने ऐसे कर रखा होगा, है। और उसी गलत। को सही किया है कैसे? अच्छा, दूसरा दूसरा एक सवाल है तो जी बताइए तो कि एक स्टेटमेंट है, हर किसी की इच्छाएं होती हैं, लेकिन एक वैष्णव पूरी तरह से इच्छा शून्य होता है, ये सही है कहना ना? हाँ माने हर नहीं, किसी की इच्छाएं होती है, हर किसी का मगर किसी वैष्णव के, की एक इच्छा तो रहती है कि वो भगवान की सेवा करे। इच्छा शून्य तो लेकिन नहीं बोलेंगे, मगर ये इच्छा तो रहती है कि भगवान की सेवा करे। थैंक अच्छा, ठीक है प्रभु जी, यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ठीक है। और जी विश्वजीत प्रभु जी कह रहे हैं कि हाउ टू मेन एंथुजियाज्म इन भक्ति बिकॉज इन बिगनिंग देयर इज एंथुजियाज्म बट ग्रेजुअली इट फेड्स अवे। वो कह रहे हैं कि उत्साह कैसे बनाए रखें, शुरुआत में तो बहुत उत्साह था मगर अब जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, समय बढ़ते जा रहा है, उत्साह घटता जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? ये 10 साल बाद 20 साल बाद भी आपको ऐसे ही लगेगा, उत्साह क्यों घटता है? उसका रीजन, पहले जब आप आए थे तो आपको इसलिए भक्ति में आए थे क्योंकि तब आप कृष्ण को पाना चाहते थे। जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है ना कि मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है, मैं खो गया हूँ, तो वो इसलिए आया था, मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा केवल कृष्ण ही अपने हैं और कोई मेरा अपना नहीं है, सब मेरे गंदे हैं, मेरा कोई संसार में मुझे कोई भी पसंद नहीं है। तो उस समय केवल कृष्ण के लिए मानने के लिए आए थे। मगर अब उत्साह धीरे धीरे क्यों घट रहा है? अब क्या है कि अब हमने जो पहले हम कृष्ण को बोलते थे कि मेरा केवल तुम अपना है, अब हम सबको बोलते हैं तू भी मेरा अपना, तू भी मेरा अपना, तू भी मेरा अपना, आप भी मेरे अपने। तो अब हम सबको अपना 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 बोलते जा रहे हैं, इसलिए वो जो प्यार है हमारा वो कृष्ण की जगह घटते 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 डिवाइड होता जा रहा है। तो इस वजह से उत्साह घटने लग जाता है। और इसका दूसरा इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट जो होता है उत्साह घटने का, उत्साही भक्तों का संग ना करना। जो खुद ही ढीला है ना, आपने उसका संग कर रखा है, वो भक्ति तो कर रहा है मगर आपको बोल रहा है छोड़ना यार, खुद ही ढीला ढाला सा है, तो दिक्कत आती है। तो उत्साही भक्तों का हमें संग करना चाहिए, तभी उत्साह बढ़ेगा। और उत्साह बढ़ता है, मैंने जो देखा है इसका आंसर वो है प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने से। आपको उस कौन में बहुत किताबें मिलेंगी पर पहले प्रभुपाद की किताबें पढ़ो, वही आपको आध्यात्मिक स्तर में ज्यादा ऊंचा बढ़ाएगी। लोग सारे राइटर्स की, सारे आचार्यों की किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पर पहले प्रभुपाद जी की प्रेफरेंस में देके किताबें पढ़ो, उससे ज्यादा जल्दी ग्रोथ होती है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में, नहीं तो उत्साह घटेगा। और तन्मय घोष प्रभु जी का और कोई क्वेश्चन तो आया नहीं अभी तक। प्रभु जी मेरा और एक क्वेश्चन था कि मेरा एक कल 4-5 फ्रेंड को क्या बताओ आपका लॉर्ड कृष्णा के नाम जप या फिर बताओ फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए बोल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम भी तो क्या बताओ आपको प्रेम लीला में है, वो कृष्ण भी प्रेम लीला में था, हम भी प्रेम लीला में है हम भी तो उसी की तरह कर रहे, तो हम डिफरेंस कैसे हुए उनसे तो उसको मैं क्या बताऊं उनको बोल तो भगवान है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो उन्हीं की अपनी शक्ति है, अपनी शक्तियों के साथ प्रेम कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? मगर आप अपनी शक्ति के साथ आप तो अपने आप से ही प्रेम नहीं करते। हाँ, वो कह रहे और एक भी कह रहे कि उनका 16,108 रूपी थी, हमारे तो 2-3 है, तो हम तो उनसे ज्यादा बेटर है हाँ तो अगर हम बेटर है तो उनको ये बोलो कि क्या आप अपने आप को 16,108 में अपने आप को डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो उनकी अगर बेटर थी तो उन्होंने 16,108 में खुद को डिवाइड भी तो किया, और सब रानियों के साथ वैसे ही रहते थे जैसे एक रुक्मणी के साथ थे, वैसे ही रहा करते थे। तो आप अगर रह सकते हो तो अब दो के साथ रह के वैसे ही दिखा दो, आप तो एक को नहीं संभाल पा रहे। हाँ, okay, मैं ठीक है, मैं सब मानता हूँ, तुम एक काज करो चैंटिंग तो स्टार्ट करो, चैंटिंग नहीं करता है इससे, यही लॉजिक बोलता है कि हम तो उनसे भी पढ़े। हाँ तो फिर क्या कर सकते हैं? तो अब देखो आपने समझाया, कोई नहीं समझना चाहता, मूर्खता में जी रहा है तो जीने दो, और क्या। ठीक है बाबू जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब एंड करते हैं इसको अनम्यूट करके। नेक्स्ट क्लास करेंगे ट्यूसडे को 10 नाम अपराध, 10 ऑफेंसेस ऑफ द होली नेम। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आया है तमन्ना माता जी का, ये ले लेते हैं। प्रभु जी कान्हा जी ने हमारे लिए क्या सोचा है, वो क्या चाहते हैं हमसे, ये कैसे पता लगेगा? हाँ, हमें कैसे पता लगेगा भगवान क्या चाहते हैं? एक होगा पहले कि जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ, है ना, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं कैसे पता लगेगा? गीता पढ़ के, गीता स्वयं भगवान ने बोली है, इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे तो पता लगेगा भगवान क्या चाहते हैं। ये सब चीजें भगवान चाहते हैं, सारे प्रकार के धर्मों का त्याग करो, भगवान को भोग लगा के खाओ, पत्रम पुष्पम फलम तो ये अलो में भक्ते अप्रेष्टि, मुझे पत्र पुष्प फल जल ये प्रेम पूर्वक प्रदान करो। और भगवान क्या कहते हैं,
है ना, कि जो देवी देवताओं की उपासना या वो करता है, वो करता है, वो मूर्ख कहलाता है, तो ये सारी चीजें फॉलो करो, देवी देवताओं का अनादर भी ना करो, है ना, और ये जानो जितना भी ब्रह्मांड जितना भी है सब कुछ कृष्ण का ही क्रिएटेड है। तो ये सारी चीजें जब हम उपदेश जानेंगे पढ़ेंगे जो भगवान चाहते हैं फिर हम वो करेंगे, और ये कैसे करेंगे जब कोई सिखाने वाला होगा और साथ के लोगों को करते हुए देखेंगे, तो ये हमें पता लगेगा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। बाकी हमारे से भगवान यही चाहते हैं, यही शास्त्रों को हमें पालन करना है। प्रभुपाद जितना तो भगवान हमसे नहीं चाहते कि वर्ल्ड बदल दो, तो भगवान केवल इतना चाहते हैं अपने आप को बदल दो केवल। ठीक है माता जी, थैंक यू। तो अभी एंड करते हैं। प्लीज सेंड द लिंक ऑफ प्रभुपाद जी भारत का आध्यात्मिक राजदूत बुक वर्जन इन इंग्लिश। ये प्रभु जी इंग्लिश में नहीं है, आपको परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है अब एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी जय, सभी भक्तों की जय। Om Namah Shivaya। 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 Om Namah Shivaya